Sure. ओके, सो नाउ आफ्टर द ब्रेक हम बढ़ रहे हैं अगले वाले कंटेंट के ऊपर, और अभी हम जाने वाले हैं रिगार्डिंग क्वेश्चन एयर जो है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन का. ठीक है, सो रेगुलर बैच आफ्टर द ब्रेक. अभी हम क्वेश्चन एयर देख रहे हैं जो क्वेश्चन एयर लेक्चर के लिए स्पेसिफिकली आए हैं. तो इस क्वेश्चन एयर सेशन के अंदर हम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन कवर करेंगे, और इसके बाद अगर समय बचा तो विल गो फॉर इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन चैप्टर. ठीक है, आज हमको दोनों क्वेश्चन एयर कवर करने हैं. तो मैं रेगुलर बैच वालों को थोड़ा सा बोल दूं, माइट बी लेक्चर थोड़ा डिले हो सकता है या लंबा हो सकता है, बिकॉज दोनों क्वेश्चन यार कवर करने हैं और दोनों में कवर करने में समय लगेगा. तो हो सकता है आज आपका अगर 4 घंटे से बड़ा लेक्चर होता है तो आप आज का कंटेंट कल देखिए. ठीक है, मैं क्वेश्चन यार लेक्चर्स वालों को बोलना चाहूंगा कि आपने कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन चैप्टर ऑलरेडी काफी अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो ही जाके ये लेक्चर देखने में मतलब है, अदरवाइज आपको कुछ शायद समझ में नहीं आएगा. ठीक है, सो ये मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको फॉलो करना. वन सेकेंड. अब मैं शुरू कर रहा हूं रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन चैप्टर. आ जाइए, तो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल, तो जाके समझ में आएगा, अदरवाइज मुश्किल है. ठीक है, लेट्स गो. सो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन, जिसके अंदर हम सेक्शन नंबर 230 से 240 लेते हैं. सेक्शन सबको याद होनी चाहिए, मैं एक बार सेक्शंस का रेंज बोल देता हूं जो क्वेश्चन एयर लेक्चर में है. जिन्होंने रेगुलर बैच नहीं किया उनको शायद सेक्शन नहीं याद होंगे, रेगुलर बैच वालों को तो सेक्शन याद होंगे, सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, टू सबसेक्शन 230 एंड 231 कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का प्रोसेस, जो 11 स्टेप का नियरली प्रोसेस है. 232 स्लो ट्रैक मर्जर जिसको हम कहते हैं, जिसको अमलगमेशन बाय सेल ऑफ अंडरटेकिंग भी कहते हैं. 233 फास्ट ट्रैक मर्जर, जिसको छोटे मोटे कंपनीज का अमलगमेशन भी कहते हैं. 234 फॉरेन कंपनी अमलगमेशन. 235 इज रिगार्डिंग डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स. 236 इज रिगार्डिंग माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. 237 कंपलसरी अमलगमेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कंपलसरी मर्जर जिसको हम कहते हैं बाय सीजी. 238 रजिस्ट्रेशन ऑफ स्कीम, स्कीम वगैरह को आप रजिस्टर करोगे. 239 बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड 240 इज रिगार्डिंग पास्ट लाइबिलिटी बिफोर अमलगमेशन. ठीक है, हम लाइव बैच के अंदर ये सभी सेक्शन याद कर लिए थे. ठीक है, मतलब रेगुलर बैच में, तो ये सेक्शंस को याद रखना. सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि प्रैक्टिस मैनुअल के सभी आंसर्स में सेक्शन कोट किए जाते हैं, तो ये चीज को आपने याद रखना है. ठीक है, हाँ, हालांकि अगर आपको याद नहीं है या कंफ्यूजन है तो गलत सेक्शन मत कोट कीजिएगा. ठीक है, नहीं कोट किया एक आध बार ठीक है, बट गलत कोट ना कीजिएगा. सो स्टार्ट करते हैं पहली प्रोसेस 230 से 231, जो है रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट. ठीक है, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल. A meeting of the members of ABC Limited was convened under the orders of the court to consider the scheme of compromise and arrangement. Notice of the meeting was sent to prescribed manner to all 600 members. कितने members है total? 600 members. Holding in aggregate 25 lakh shares. अब ये 25 lakh units है या amount है ये नहीं बोला है, तो 25 lakh shares अगर उन्होंने बोला है तो we'll consider this as a unit, not amount. ठीक है, the meeting was attended by 450 members holding 15 lakh shares. 450 members present and voting the जिसमें से 15 lakh shares hold किए थे. 210 members holding 11 lakh share voted in favor of the scheme. 180 members holding 3 lakh shares voted against the scheme. The remaining members abstain from voting. उसमें भी कुछ लोग एब्सटेन थे, मतलब ऊपर का 450 जो नंबर है वो सिर्फ प्रेजेंट का है. ठीक है, एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग हम नॉर्मली इसके अंदर नहीं गिनेंगे. एग्जामाइन द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट वेदर द स्कीम इज अप्रूव्ड बाय द रिक्विजिट मेजोरिटी. अब शायद सबको ये प्रोविजन पता होगा, नहीं पता होगा फिर भी एक बार मैं बोल दूं. अप्रूवल या नॉर्मली मेजोरिटी इन नंबर ऑफ मेंबर्स एंड 75% ऑफ वैल्यू का होना चाहिए. अब यहां वैल्यू तो 75% नहीं दिया है, पर हम शेयर्स का जो नंबर है उसके हिसाब से अगर प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करें तो 75% नंबर ऑफ शेयर्स को ही हम 75% वैल्यू बोल सकते हैं. तो अब यहां पे टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग, द मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय 450 मेंबर्स. ठीक है, जिसके अंदर 210 मेंबर्स होल्डिंग 11 लाख शेयर वोटेड इन फेवर ऑफ रिजोल्यूशन एंड 180 मेंबर होल्डिंग 3 लाख शेयर. सो जरा ध्यान देना, 210 मेंबर्स होल्डिंग 11 लाख के शेयर्स प्लस 180 मेंबर्स, ठीक है,
होल्डिंग 3 लाख के शेयर्स, मतलब टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग का डिजिट कितना है, तो टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग का डिजिट है 390 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग होल्डिंग 14 लाख के शेयर्स, 390 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग होल्डिंग 14 लाख के शेयर्स, द रिमेनिंग मेंबर एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, मतलब 390 मेंबर वोट कर रहे, 60 मेंबर्स ने कोई भी वोटिंग नहीं किया है, क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको, हाँ है ना, तो उनको हम काउंट नहीं करेंगे। सो हमें 390 का मेजोरिटी इन नंबर, अब 390 का मेजोरिटी इन नंबर क्या हो सकता है, तो 390 का मेजोरिटी इन नंबर हो सकता है कि भाई 200, तो 400 के लिए आएगा, 195 अगर हम बोले 195 तो ये होगा 196, ये होगा मेजोरिटी इन नंबर। सो हमको चाहिए इनमें से 196 मेंबर्स प्रेजेंट वोटिंग, और 14 लाख में से 75% हमको काउंट करना है, 14 लाख में से 75% हमको काउंट करना है। सो अगर हम 14 लाख का 75% कैलकुलेट करने की कोशिश करें, एक बार कैल से निकाल लेना, मैं भी कैलकुलेट कर देता हूं, होल्ड। सो अगर मैं 14 लाख शेयर्स का मल्टीप्लाइड बाय 0.75%, मतलब 3/4 मेजोरिटी नंबर 75% ऑफ वैल्यू, तो ये करूं तो आता है 10,50,000, मतलब मुझे इसका 10.50 लाख का वोटिंग पावर चाहिए, ठीक है, 10.50 लाख शेयर्स मुझे वोटिंग चाहिए, 196 नंबर चाहिए। अब उन्होंने बोला है 210 मेंबर्स होल्डिंग 11 लाख के शेयर्स, तो ये मेजोरिटी नंबर भी है एंड 75% ऑफ वैल्यू भी है, सो इट इज कंप्लाइंग, तो ऐसे सिचुएशन में मैं इसको वैलिड रिजोल्यूशन बोल सकता हूं। तो देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन में वही बोला है, हाँ, अब वोटिंग का मैंने सिर्फ, अब मैंने प्रोविजन में क्या क्या कोट किया है, तो प्रोविजन में आपको बहुत ज्यादा कुछ कोट करने की जरूरत नहीं है, जो रिलेवेंट पॉइंट है वही कोट करना है। जैसे यहां पर आप देख सकते हो कि भाई वोटिंग किस तरीके से होना चाहिए एंड रेजोल्यूशन कौन सा, और दूसरा बोला है मैनर ऑफ वोटिंग, ठीक है, बस ये दो प्रोविजन मैंने यहां पे लिखे हैं। फिर नीचे मैंने कैलकुलेशन दिया है, हालांकि आप इसको टेबल फॉर्म में भी दे सकते हो, टेबल फॉर्म कोई दिक्कत नहीं, इट्स अप टू यू आप कौन से, बट जो भी एक्सप्लेन करो अच्छे से करो, अगर वर्किंग नोट फॉर्म में तो मार्क्स बढ़ने की गुंजाइश रहती है, ठीक है। सो आप देखिए यहां पे 600 मेंबर्स में से 450 मेंबर्स प्रेजेंट थे, मतलब 390 मेंबर ने सिर्फ वोट किया और 210 ने 11 लाख के शेयर होल्ड करने वालों ने यह किया। अब 210 में से हमें चाहिए 196 चाहिए, मतलब 210 है तो कंप्लाई हो चुका है, और 11 लाख है मतलब हमको चाहिए 10,50,000, तो यह हो जाएगा 11 लाख। तो ऐसे सिचुएशन में 3/4 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द वैल्यू शुड बी कंसिडर्ड एज अ फुल, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है, क्लियर है कंसेप्ट। सो यहां पे आपका रिजोल्यूशन पास हो गया है। नेक्स्ट, दूसरा सवाल, अ मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ डीईएफ लिमिटेड वॉज कन्वेंड अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ कंसिडरिंग स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, द मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय 300 मेंबर्स, 300 मेंबर ने अटेंड किया है 9 लाख के शेयर्स, ठीक है, उसमें 120 मेंबर होल्डिंग 7 लाख के शेयर्स, 120 मेंबर्स बोले हैं होल्डिंग 7 लाख के शेयर्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, शेयर्स इन एग्रीगेट वोटेड फॉर द स्कीम, इन्होंने वोटेड किया स्कीम के लिए, एंड 140 मेंबर्स होल्डिंग 2 लाख के शेयर्स इन एग्रीगेट वोटेड अगेंस्ट द स्कीम। अब सिंपल सी बात है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हैं, तो भैया प्रेजेंट एंड वोटिंग नंबर, होल्ड, अब मैं इसको थोड़ा टेबुलर फॉर्म में देता हूं, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, नंबर ऑफ मेंबर्स एंड वैल्यू। अब नंबर ऑफ मेंबर्स जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है वो है 120 एंड 140, मतलब 120 होल्डिंग कितने शेयर्स, 7 लाख के शेयर्स, एंड 140 होल्डिंग कितने के शेयर्स, 2 लाख के शेयर्स, 120 एंड 140 अगर मैं इसका टोटल करूं तो होता है 260, ठीक है, सो 260 इज प्रेजेंट एंड वोटिंग, और यहां 9 लाख के शेयर्स होल्ड किए जा रहे हैं, मुझे 260 में से मेजॉरिटी नंबर चाहिए, मतलब मुझे कितना चाहिए, 131 मेंबर्स चाहिए मिनिमम, जिन्होंने 75% ऑफ वैल्यू होल्ड करके रखा है, 75% ऑफ वैल्यू रिगार्डिंग 9 लाख्स। सो मैं यहां जाऊंगा 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.75, तो आता है 6,75,000, सो 6.75 लाख, इतना मुझे वोटिंग चाहिए। चलो अब अमाउंट में तो ये कंप्लाइड है,
अमाउंट में आप देख सकते हो 7 लाख कंप्लाइड है, पर नंबर में ये कंप्लाइड नहीं है। अमाउंट में ये कंप्लाइड है, नंबर में कंप्लाइड नहीं है, तो यहां पे मैं मानूंगा कि भैया वोटिंग प्रॉपरली नहीं हुआ। आंसर सेम, पहले मैंने कंटेंट लिख लिया क्या 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 है, और फिर इधर मैंने आंसर को कंक्लूड कर दिया। ठीक है, मेंबर्स हु वोटेड इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन 7 लाख 3/4 ऑफ द वैल्यू, तो 9 लाख मेरे को चाहिए, आउट ऑफ 9 लाख तो 3/4 चाहिए मेरे को। तो ये मेरे को नहीं, ये नंबर जो यहां पे दिया है ऑफ 9 लाख का, इसको कट कीजिए, 3/4 ऑफ द वैल्यू के लिए हमने क्या डिराइव किया, 6,75,000, वो लिखिए, ये वाला नंबर लिखिए। ठीक है, ये चीज को रखना। स्कीम इज नॉट अप्रूव्ड बाय रिक्विजिट मेजोरिटी एज रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर बाय सिंपल मेजोरिटी इज नॉट फुलफिल्ड, द रिक्वायरमेंट ऑफ 3/4 वैल्यू इज बींग फुलफिल्ड। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना, तो ये चीज को आपने याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट? चलिए तो एक बार आंसर पढ़ के देखिए, गो फॉर इट फास्ट, मतलब आपको भी समझ में आ जाएगा। डन एवरीबडी, पढ़ लिया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। अ मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी वाज कन्वेंड अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द एनसीएलटी कंसीडरिंग अ स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। द मीटिंग वाज अटेंडेड बाय 200 मेंबर्स होल्डिंग 5 लाख शेयर्स इन एग्रीगेट। 70 मेंबर्स होल्डिंग 4 लाख के शेयर्स वोटेड इन द फेवर ऑफ द स्कीम एंड रिमेनिंग मेंबर्स अगेंस्ट द स्कीम। रिमेनिंग मेंबर्स स्ट्रेट अवे बोला है वोटेड अगेंस्ट द स्कीम। अब कितने, 200 में से अगर 70 है तो ऑब्वियसली यहां पे हम बोल सकते हैं सिंपली नॉट अप्रूव्ड, नॉट अप्रूव्ड, सीधा सीधे दिख रहा है 200 में से 70 ही वोट कर रहे हैं, हमको मेजोरिटी चाहिए कम से कम। ठीक है, सो नॉट अप्रूव्ड इसका आंसर। अब होमवर्क एक बार आपने पढ़ लिया, बिकॉज सिमिलर टाइप का हम तीसरा सवाल ये देख रहे हैं, सिर्फ कैलकुलेशन का ही डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलो ये चीज होने के बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ मैं जा रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4। हाउ द कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट स्कीम इज अडॉप्टेड बाय द कंपनीज एंटरिंग इन टू ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर कंपनीज एक्ट। एमटीपी अगस्त 18 का सवाल है, आरटीपी में 18 का सवाल है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का अप्रूवल लिखना है। देखो वर्डिंग क्या है, स्कीम इज अडॉप्टेड बाय कंपनीज एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अरेंजमेंट स्कीम इज अडॉप्टेड बाय कंपनीज एंटरिंग इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कंपनीज एक्ट। किस तरीके से स्कीम अडॉप्ट करनी चाहिए, तो स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट सवाल है जिसके अंदर हमको लिखना पड़ेगा कि किस तरीके से स्कीम अडॉप्ट करते हैं, कैसे वोटिंग करते हैं, कैसे नोटिस देते हैं। देखो एक 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 पॉइंट यहां पे मैं मार्क करवा दूं। रेडी, सबसे पहला अगर आप देखोगे तो लिखा है मेंबर्स और क्रिएटर्स, ये दोनों इसको अप्रूव करेंगे। फिर उसके बाद में लिखा गया है, ठीक है, मीटिंग कैसे लेना है मेंबर्स क्रिएटर्स का। फिर उसके बाद लिखा गया है वोटिंग आप किस तरीके से कर सकते हो। फिर उसके बाद लिखा गया है ऑब्जेक्शन कौन ले सकता है। फिर उसके बाद लिखा गया है रिजोल्यूशन कैसे पास करना है। आप इतने पॉइंट्स फॉलो कीजिए, आपका कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का स्कीम हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट,
तो ये चीज को याद रखना, डायरेक्ट सवाल है, आप किसी भी बुक में से पढ़े होंगे क्वेश्चनर वाले तो भी हो जाएगा, ओरिजिनल बैच में, रेगुलर बैच में तो हमने इसको याद कर लिया है। ठीक है, लेट्स गो। मेसर्स इटरनल हेल्थ लिमिटेड वॉज फेसिंग एक्यूट फिनेंशियल डिफिकल्टी एज ऑपरेशन वेयर कंटिन्यूअसली डिसरप्टेड ड्यू टू अ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। सक्सेसिव ड्रॉट इन इट्स मार्केटिंग एरियाज एंड लॉस ऑफ डिमांड, फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ड्यू टू नॉन रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड प्लांट मशीनरी। On the verge of liquidation, the management proposed one last arrangement between the creditors and the company, whereby creditors have to forego 50% of the dues to company. This has evoked a strong protest from some of the creditors who may block the arrangement. You are requested to examine the arrangement in the light of the Companies Act 2013 and advise the course of action. Advise the course of action, procedure to be adopted बाय द कंपनी टू इंप्लीमेंट द सेम। मतलब ये भी डायरेक्टली स्ट्रेट अवे सवाल है कि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का प्रोसेस क्या है। सिमिलर सा एक और सवाल दिया है, मतलब सिमिलर डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे ही तीन सवाल यहां पे देके रखे हैं। मैं सवाल पढ़ता हूं, ध्यान देना। द शेयर होल्डर एंड क्रिएटर्स ऑफ सन सुपरफ्लाइज लिमिटेड इन द मीटिंग कन्वेंड इन अप्रूव्ड द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी पास्ड ऑन रिजोल्यूशन। द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड फॉर फॉलोइंग: सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरीज एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रोसीड्स फॉर द पेमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग वेजेस, टैक्सेस, ड्यूज एंड रीपेमेंट ऑफ द लोन। Unsecured creditors to forego 60% of their claim against the company and receive the debentures for the balance amount. A few shareholders and creditors raised objection against the said arrangement. Advise a director about steps to be taken to give effect to the proposed scheme. Again direct सवाल है, मतलब ऊपर जो facts दिए गए हैं ऐसा नहीं है इससे answer पे बहुत ज़्यादा कोई change होगा या कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि as good as आपको process ही लिखना है। Over ambitious limited becomes sick. The shareholders and the creators of the company pass a resolution in the meeting convened by company approving a scheme of reconstruction of the company. The scheme provides for the sale of vacant land and utilization of the sale proceed. ठीक है, provide for sale of vacant land को sell करने का and utilization of sale proceed, ये यहाँ पे cover up किया जा रहा है। क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? हाँ, है ना। और क्रिएटर्स को बोला गया है अगेन 50% ऑफ वो उनके क्लेम्स फोरगो कर दे। सिमिलर सवाल जो हमने ऊपर पढ़ा, अब देखो यहां पे स्ट्रेट अवे बोला गया है सेम कि प्रोसेस क्या है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का। ठीक है, मीटिंग का नोटिस वगैरह कैसे देना है और उसके बाद में किस तरीके से अप्रूवल करवा लेना है, तो मैं आपको एक बार सजेस्ट करना चाहूंगा। अच्छा, नीचे केस लॉ दिया है, एनसीएलटी सैंक्शन स्कीम इट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर्स एंड द क्रिएटर्स इवन हु वेयर डिसेंटिंग। क्लियर, ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है हमारे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के प्रोसीजर में। सो सवाल इतना कोई खास नहीं है, बट फिर भी मैं चाहूंगा स्पेसिफिक समय में आपको देता हूं, इसको एक बार रीड कर लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। डायरेक्ट सवाल है, उसके ऊपर लिख के रखना है डायरेक्ट सवाल।
चलो डन एवरीबडी, उसके बाद मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। अगला सवाल सिक्स क्वेश्चन नंबर है, अ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ साउदर्न स्टोन्स कंपनी लिमिटेड वॉज अप्रूव्ड बाय इट्स शेयर होल्डर्स एंड क्रिएटर्स इन देयर मीटिंग एंड अ रिजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट वॉज पास्ड आफ्टर वॉज अ फ्यू शेयर होल्डर्स एंड क्रिएटर्स ऑफ द कंपनी रेज्ड ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द सेड अरेंजमेंट, ठीक है। फ्यू शेयर होल्डर क्रिएटर रेज द ऑब्जेक्शन एंड सेल अरेंजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन द एंटायर पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी वॉज वाइप्ड आउट बाय एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एडवाइस डायरेक्टर ऑफ द सेड कंपनी अबाउट द स्टेप्स टू बी टेकन टू गिव इफेक्ट टू द प्रपोज्ड स्कीम अंडर कंपनी। अगेन ए डायरेक्ट सवाल, मतलब मैक्सिमम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के अंदर डायरेक्ट सवाल ही आएंगे एक्सेप्ट फॉर वो जो वोटिंग का कैलकुलेशन वाला सवाल है। तो ऊपर के भी अभी जो हमने सवाल देखे सबके सब डायरेक्ट थे, नीचे के भी सवाल हमने जो देखे वो भी अभी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इन सबका याद रखना, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। स्टेप वन मैं एक बार स्टेप दे दूं, एप्लीकेशन टू एनसीएलटी करना पड़ेगा, दूसरा डिस्क्लोजर्स टू एनसीएलटी देना पड़ेगा कि आपका शेयर कैपिटल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम का है, तीसरा नोटिस टू मेंबर क्रिएटर दिया जाएगा, चौथा मेंबर्स और क्रिएटर्स को नोटिस देने के बाद में हम देखेंगे कि कितने मेंबर्स किस तरीके से वोट कर सकते हैं, फिर पांचवा हम देंगे अथॉरिटीज को नोटिस जो ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, सिक्स्थ हम नोटिस हम मीटिंग कंडक्ट करेंगे मेजॉरिटी इन नंबर 3/4 ऑफ वैल्यू का अप्रूवल लेंगे, सेवन इसके अंदर जो शेयर होल्डर्स है उनको ऑब्जेक्शन वगैरह लेना है तो 10% और 5% 10% ऑफ शेयर होल्डर 5% ऑफ डेट होल्डर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, फिर एनसीएलटी ऑर्डर पास करके स्कीम अप्रूव करेगा जो आपने आरओसी के साथ फाइल करना है और ये स्कीम को इंप्लीमेंट करना है, नहीं इंप्लीमेंट हो पा रहा है तो वाइंडिंग अप करना है। क्लियर है, पूरा 11 स्टेप का प्रोसेस है। आपने बकायदा इसका एक एक स्टेप छान छान के यहां लिखा या सिलेक्टेड स्टेप भी लिखे जो आपको लगता है वो भी चलेगा। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अल्फा लिमिटेड बेटा लिमिटेड एंटर इनटू अ स्कीम फॉर अमलगमेशन बाय विच अल्फा लिमिटेड वुड ट्रांसफर इट्स एंटायर अंडरटेकिंग टू बेटा लिमिटेड, हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट रेज एन ऑब्जेक्शन दैट अनलेस द ऑब्जेक्ट्स क्लॉज ऑफ द कंपनीज आर सिमिलर एंड मेमोरेंडम एम्पावर्स टू डू सो द स्कीम ऑफ द अमलगमेशन कैनॉट बी परमिटेड इन द कंटेंशन ऑफ द सेंट इज कंटेंशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज राइट। क्वेश्चन को स्टार मार्क करना, एग्जाम में नहीं पूछा गया है पर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल यह है क्वेश्चन का क्वेश्चन यह है वेदर पावर ऑफ अमलगमेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एमओए ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम, क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में अमलगमेशन का पावर रहना चाहिए, यह सवाल है। तो अब मैं आपको आंसर दे दूं इसका, बड़े अच्छे से सुनना प्यार से, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करना, थोड़ा समय लेंगे पर ध्यान देना। बेसिकली अगर आप अमलगमेशन करते हो तो कई सारे लोग कंटेंशन करते हैं कि अमलगमेशन का पावर मेमोरेंडम में होना चाहिए और अभी भी यह चीज काफी डिस्प्यूटेड है। मतलब हो सकता है दूसरे पब्लिकेशन में आप देखो तो आपको यह दिखेगा कि अमलगमेशन का पावर मेमोरेंडम में होना चाहिए, हालांकि मेरा इसके बारे में एक बहुत क्लियर लॉजिक और ओपिनियन है, मैं वो बोलना चाहूंगा। हम ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो सिर्फ वही चीजें लगते हैं जो हमारा डेली बिजनेस है, समझो मेरा डेली बिजनेस है फूड प्रोडक्ट, मिठाई का शॉप है और मेरा फूड प्रोडक्ट मिठाई, जैसे हल्दीराम। अब हल्दीराम ने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखना चाहिए कि प्रिपरेशन ऑफ स्वीट्स, प्रिपरेशन ऑफ नमकीन या फिर सेटअप ऑफ होटल या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स, ये उसका मेन बिजनेस हो सकता है। पर आप अमलगमेशन वहां पे नहीं लिख सकते बिकॉज आपका डेली बिजनेस अमलगमेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज आप इससे अमलगमेशन कर रहे हो, कल उससे, परसों उससे, नरसों उससे और अमलगमेशन ही किए जा रहे हो, और साल भर 365 दिन के 365 अलग अलग अमलगमेशन, क्या ऐसा होता है? खुद सोचिए, क्या ऐसा होता है? नहीं। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में हम वही चीजें लिखते हैं जो हमारा डेली बिजनेस है, और अमलगमेशन ये हमारा डेली बिजनेस नहीं है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन इसके पीछे ये है कि भाई एक्ट ने आपको अलाउ किया है कि आप किस तरीके से अमलगमेशन कर सकते हो। एक्ट बोलता है ये प्रोसेस से अमलगमेशन करो, और एक्ट कहीं ये मेंशन नहीं करता कि आपने ये प्रोसेस एक्सेप्ट करने के पहले, अमलगमेशन करने के पहले मेमोरेंडम में लिखना चाहिए। जैसे एडिशनल डायरेक्टर अल्टरनेट डायरेक्टर में बोला जाता है कि अगर आपको एडिशनल अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करना है बोर्ड में तो आर्टिकल में प्रोवाइड कीजिए, ऐसा कहीं अमलगमेशन के सेक्शन में नहीं बोला है कि अमलगमेशन का प्रोसेस अगर आपको लगना है तो आपने सबसे पहले मेमोरेंडम आर्टिकल को अल्टर करना, ऐसा कहीं नहीं लिखा है।
तो एक्ट ने ये अमलगमेशन का पावर दिया है कंपनी को. सो दो रीजंस है जिस वजह से मुझे ये लगता है कि भाई अमलगमेशन जो है वो बिना मेमोरेंडम के पावर के किया जा सकता है. फर्स्ट रीजन ये है, अमलगमेशन इज नॉट डेली बिजनेस. अमलगमेशन इज नॉट डेली बिजनेस, ऐसा नहीं है हम हर रोज अमलगमेशन करते हैं, ठीक है. इट्स नॉट डेली बिजनेस, सो नो नीड टू राइट इन AOA. नो नीड टू राइट इन ऑब्जेक्ट ऑफ MOA. क्लियर है कंसेप्ट? ये पहला रीजन. दूसरा, एक्ट डायरेक्टली गिव्स पावर टू कंपनी. Directly give power to company and not subject to MOA. Not subject to MOA or AOA. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना. इसलिए इस सिचुएशन में हम MOA की तरफ नहीं देखेंगे. क्लियर है? तो जरा आंसर देखना. ऐसा हो सकता है आंसर डिस्प्यूटेड, मैंने मेरे लॉजिक के हिसाब से आंसर दिया. दूसरे पब्लिकेशन में माइट बी ए सवाल भी नहीं हो सकता, और होगा भी तो भी हो सकता है आंसर कुछ अलग हो, लेकिन मैंने मेरा सिंपल लॉजिक स्ट्रेट दिया और यही आपको एग्जाम में लिखना है, क्योंकि ICAI का भी लॉजिक क्लियर नहीं है, उनके पास कोई इसका मॉडल आंसर नहीं है, यह मैंने मेरे हिसाब से दिया है. मेमोरेंडम नीड नॉट हैव द पावर, नीड नॉट हैव द पावर ऑफ अमलगमेशन, ठीक है. व्हाइल अमलगमेशन ऑफ द बोथ कंपनी शॉल हैव द सेम ऑब्जेक्ट. हाँ, हालांकि अमलगमेशन ऑफ द बोथ कंपनी शॉल हैव सेम ऑब्जेक्ट, दोनों कंपनीज के अमलगमेशन का ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, ठीक है. या फिर आप दूसरे कंपनी के सीधा 100% शेयर एक्वायर कर लो और ऑब्जेक्ट चेंज करने की जरूरत भी नहीं है दोनों कंपनी को, क्योंकि वो सब्सिडरी बन जाएगी और सब्सिडरी का ऑब्जेक्ट अलग हो सकता है. फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर द पर्पज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज इन्वॉल्व इन द मर्जर अमलगमेशन, ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी अंडर 230 एक्सेट्रा. द ट्रिब्यूनल में ऑन सच एप्लीकेशन ऑर्डर द मीटिंग्स ऑफ द क्रिएटर्स एंड मेंबर्स, और फिर अमलगमेशन किया जाएगा. फिर डेट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर का इंस्ट्रूमेंट, लीगल प्रोसीडिंग्स, डिसोल्यूशन, प्रोविजन फॉर डिसेंडिंग शेयर होल्डर, NRI शेयर होल्डर, एम्प्लॉय ट्रांसफर, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी के प्रोविजन, फीस फॉर ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना लगेगा क्योंकि कैपिटल तो बढ़ जाएगा, सर्टिफिकेट बाय कंपनीज ऑडिटर, ये सब चीजें लगेगी. फिर हम आगे बढ़ेंगे. वेयर एन ऑर्डर प्रोवाइड्स दैट ट्रांसफर ऑफ एनी प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी, देन बाय वर्च्यू ऑफ ऑर्डर द प्रॉपर्टी शॉल बी ट्रांसफर्ड टू द ट्रांसफरी कंपनी एंड लाइबिलिटीज शॉल बी ट्रांसफर्ड एंड बिकम लाइबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी. क्लियर है? जितना प्रॉपर्टी लाइबिलिटीज है सब ट्रांसफर हो जाएगा. फिर उसके बाद इसके सर्टिफाइड कॉपी आप फाइल कर दो ROC के साथ. बचा हुआ प्रोसेस तो पूरा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का लिखा है, सिर्फ पहला पॉइंट चेंज किया है कि मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट पावर, मेमोरेंडम में अमलगमेशन का पावर होने की जरूरत नहीं है. द स्कीम शॉल क्लियरली इंडिकेट द अपॉइंटेड डेट from which the amalgamation will be effective. File duly certified statement with compliance of the scheme. Clear है? फिर explanation दिया है नीचे, ठीक है. उसके अंदर मैंने बोला है memorandum did not have a power of the amalgamation. While amalgamation of both the companies shall have the same object, ये भी बोला है. Contention of the central government is incorrect. Mention the process of 232 for similar type of the questions. Concept समझ में आ रहा है? हमने 232 का पूरा process mention करके रख दिया है. ये सवाल काफी अच्छा है, exam में आप इसका answer लिख सकते हो, ठीक है. चलो अगले सवाल पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. एट द मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ मेसर्स QRS लिमिटेड, अ स्कीम ऑफ द कंपनी कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट वॉज अप्रूव्ड बाय रिक्विजिट मेजोरिटी. द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोविजन इशूड एन ऑर्डर अप्रूविंग द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट. लिस्ट आउट द मैटर टू बी प्रोवाइडेड इन द ऑर्डर इशूड बाय NCLT अंडर सेक्शन 237 ऑफ द कंपनीज एक्ट. NCLT क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है? ऑर्डर ऑफ NCLT, ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग, ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी, ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, NRI शेयर होल्डर्स के साथ क्या होगा, परचेस कंसिडरेशन के सिचुएशन में किस तरीके से विटिएट किया जाएगा. NCLT इसके बाद में बोल सकता है कि भाई ये ऑर्डर बाइंडिंग है सभी लोगों के ऊपर. अभी अभी हमने जो इधर पढ़ा ना, लिस्टेड कंपनी, NRI शेयर होल्डर, डिसोल्यूशन का ऑर्डर, लीगल प्रोसीडिंग का ऑर्डर, सब आपको वही चीजें यहां पर रिपीट करनी है. देखिए किधर गया, अब ये थ्योरी पार्ट में दिया है, बट फिर भी देखो क्या क्या बोला है. कन्वर्जन NCLT का ऑर्डर में कंप्राइज अरेंजमेंट प्रोवाइड्स फॉर द कन्वर्जन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर्स. उसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ, ये अलग ऑर्डर्स दिए हैं, रिजल्ट इन वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स, ठीक है. द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एग्रीड बाय द क्रिएटर्स अंडर सबसेक्शन 6,
देखो प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, आगे बढ़ेंगे, एग्जिट ऑफर टू डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स देंगे, फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार बाय द कंपनी। हालांकि मेरे को ये आंसर पूरा नहीं लगता, बट उन्होंने सिर्फ सबसेक्शन 7 पूछा है, देखिए इसलिए मैंने सिर्फ सबसेक्शन 7 का कंटेंट दिया। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये कंटेंट भी इस क्वेश्चन में रिकमेंडेड है, दिस कंटेंट इज ऑल्सो रिकमेंडेड इन दिस क्वेश्चन। क्लियर है कंसेप्ट? लेकिन उन्होंने सबसेक्शन 7 पूछा है तो हम सिर्फ सबसेक्शन, ये नवंबर 19 का सवाल है श्योर, क्योंकि मेरे को इसका पेपर डिस्कशन याद आ रहा है जो मैंने यूट्यूब पे डाला था। ठीक है, चलो ये चीज को आपने याद रखना, अगले सवाल के ऊपर जाते हैं। अ मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड वॉज कन्वेंड एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट कंसिडरिंग द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। नोटिस ऑफ द मीटिंग वॉज सेंट टू 1000 मेंबर्स होल्डिंग 5 लाख इक्विटी शेयर्स इन एग्रीगेट। द मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय 800 मेंबर्स होल्डिंग 3,50,000 शेयर्स, 450 मेंबर्स होल्डिंग 2,40,000 शेयर्स वोटेड। अब देखो 450 मेंबर्स 800 में से, मतलब क्या ये मेजॉरिटी इन नंबर है? यस, दिस इज मेजॉरिटी इन नंबर, ये कंप्लाई हो गया। अब 3,50,000 शेयर में से 2,40,000 शेयर, 3,50,000 का अगर मैं 75% ऑफ वैल्यू देखने जाऊं, होल्ड कैलसी ओपन करे, सो 3,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 तो आता है 2,62,000, दिस इज नॉट 75% ऑफ वैल्यू। ठीक है, 800 मेंबर्स अटेंडिंग है। हाँ ठीक है, अब ये 75% ऑफ वैल्यू फिलहाल नहीं है, लेकिन मैं अभी इसको कंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि मुझे टोटल कितने वोट करे ये नहीं पता है इन फेवर। एंड 200 मेंबर्स होल्डिंग 6,60,000 शेयर्स वोटेड अगेंस्ट द स्कीम। अब अगर देखा जाए द रिमेनिंग 1,150 मेंबर्स एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, मतलब सिर्फ 450 मेंबर्स और 200 मेंबर्स ने वोट किया है जो 2,60,000 और 6,00,000 के शेयर, 60,000 के शेयर होल्ड करते हैं। तो सिंपल कैलकुलेशन इस साइड लिखता हूं मैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग नंबर शेयर्स, नंबर है 450 मेंबर्स प्लस 200 मेंबर्स, और इधर है 2,04,00,000 के शेयर्स और 0.6 लाख के शेयर्स, ये होगा आपका 650 मेंबर्स और ये होगा आपका 3 लाख के शेयर्स। ठीक है, 650 मेंबर्स में से हमको चाहिए मेजॉरिटी, क्लियर है कंसेप्ट? हमको चाहिए मेजॉरिटी, मतलब हमको चाहिए 326 मेंबर्स, बराबर है, 326 मेंबर्स हमको चाहिए मिनिमम, और 3 लाख में से हमको चाहिए मिनिमम 1.5 लाख, सॉरी 3 लाख में से हमको 75% चाहिए ना, सो होल्ड। सो 2.25 लाख का चाहिए मिनिमम, और अगर आप देख पाओ अच्छे से तो देखिए हमने ये कंप्लाई कर दिया है 450 मेंबर्स के साथ और ये हमने कंप्लाई किया 2.40 के साथ, तो क्या ये अमलगमेशन अप्रूव्ड है? सो इट इज अप्रूव्ड वन, क्लियर है? ये वर्किंग आप साइड में लिख सकते हो, गो फॉर इट फास्ट, क्वेश्चन का आंसर पढ़ लीजिए।
चल हो गया सबका, ये होने के बाद अगले इसके ऊपर जाते हैं। हम जा रहे हैं सेक्शन नंबर 232 पे, अमलगमेशन बाय सेल ऑफ अंडरटेकिंग पे। रेडी? क्वेश्चन नंबर 10, लॉन्ग लास्टिंग लिमिटेड अप्लाइड टू ट्रिब्यूनल फॉर अप्रूवल ऑफ द प्रपोज मर्जर स्कीम, स्टेट द प्रोसेस टू बी कंप्लाइड विथ द अप्रूवल ऑफ द प्रपोज मर्जर स्कीम ड्रॉन बाय द डायरेक्टर ऑफ द लॉन्ग लास्टिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है, सो बेसिकली बोला है कि ट्रिब्यूनल को अप्लाई किया है मर्जर ऑफ द स्कीम के लिए, किस तरीके से अप्रूव होगा बताइए। तो इसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया, 232 का पूरा प्रोसेस डायरेक्टली लिख के रखा है, पूरा 232 का प्रोसेस जैसा का वैसा। सो इसके अंदर बाकी और कोई चेंज नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर हम प्रोसीजर वाइज ही लिखते हैं। तो मैं चाहूंगा आप इसका भी आंसर एक बार रीड करके रखिए। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट, फटाफट रीड कर लीजिए। हो गया सबका, बढ़ते हैं अगले कंटेंट के ऊपर, आ जाइए ध्यान देना। प्रोसीजर स्ट्रेट फॉरवर्ड था इसलिए रीड करने के लिए दिया। अगला सवाल 11वां, पायोनियर टेक्सटाइल्स लिमिटेड डिजायर्स टू अमलगमेट इज एन एंटरप्राइज विद द लैटेक्स टेक्सटाइल्स लिमिटेड, अ स्कीम ऑफ अमलगमेशन फॉर दिस पर्पज वॉज अप्रूव्ड बाय ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स एंड ऑल क्रिएटर्स
ऑफ बोथ द कंपनीज एट द मीटिंग हेल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 232 ऑफ द एक्ट देयर अपॉन, मतलब दोनों जगह पे मेजोरिटी से अप्रूव हो चुका है, मेंबर्स में भी क्रेडिटर्स में भी. देयर अपॉन इट वॉज प्रेजेंटेड टू द कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल फॉर वॉज इट्स सैंक्शन. व्हाइल द स्कीम वॉज पेंडिंग टू द ट्रिब्यूनल, सम ऑफ द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द पायोनियर टेक्सटाइल्स लिमिटेड रिक्विजिशन एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग टू निगोशिएट विद द लैटेक्स टेक्सटाइल्स लिमिटेड. एज अकॉर्डिंग टू द रिक्विजिशनिस्ट द एक्सचेंज रेशियो वॉज नॉट फेयर एंड रीजनेबल. Examine whether director may refuse to call the extraordinary general meeting. Also discuss the powers of the tribunal in this respect. Question को star mark करना, question काफी अच्छा है, मैं एक बार इसको read करूंगा answer, तो जाके आपको समझ में आएगा. ठीक है, सवाल यह है कि वापस एक बार explain करता हूं. मीटिंग कॉल की थी amalgamation के लिए, majority of numbers वगैरह ने सबने approve कर दिया, लेकिन dissenting वालों ने यह claim किया है कि जो शेयर एक्सचेंज रेशियो है वो इतना सही नहीं है, इसलिए उन्होंने ईजीएम कॉल किया. अब सवाल है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस ईजीएम को कंडक्ट करेंगे या वो कंडक्ट करने से मना कर सकते हैं, तो जरा ध्यान देना. प्रोवाइडेड दैट बोर्ड एट द रिक्विजिशन मेड बाय द कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, ये मैं सेक्शन 100 कोट कर रहा हूं सीए इंटर का, ठीक है, यह अभी सीए फाइनल पे अप्लीकेबल नहीं है बट फिर भी कोट कर रहा हूं क्योंकि यहां कोट करना जरूरी है, ईजीएम का सेक्शन है. On the date of receipt of the requisition, not less than 1/10 of such a paid-up share capital holder of the company carries the right of voting. In case of company is not having a share capital, then in such a situation, 1/10 of total voting power holders. मतलब share capital company में 1/10 of paid-up share capital holder apply कर सकते हैं EGM के लिए, और जहां पे share capital नहीं है guarantee company में 1/10 of voting power holder. नीचे The tribunal empowered to sanction the scheme of the amalgamation and make the provision for all such matters as contained in 232, that is transfer of undertaking, property, liabilities, transferor company to the transferee company, allotment of securities to a transferor company to transferee company, of transferee company to the shareholders of the transferor company. ये कर सकते हैं. प्रोविजन टू बी मेड फॉर डिसेंटिंग शेयर होल्डर, डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, डिसोल्यूशन किया जाएगा विदाउट वाइंडिंग अप, ये सब ऑर्डर आप 232 में पास कर सकते हो. सिंस द स्कीम ऑफ अमलगमेशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द ओवरवेलमिंग मेजोरिटी, द ट्रिब्यूनल शॉल नॉट रिजेक्ट द स्कीम अनलेस इट इज एस्टेब्लिश बिफोर ट्रिब्यूनल दैट एक्सचेंज रेशियो इज अनफेयर एंड सच अ स्कीम ऑफ द अमलगमेशन इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट. दो चीज यहां पर प्रूव होनी चाहिए, मैं साइड में लिख रख दूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सचेंज रेशियो ये अनफेयर होना चाहिए एंड स्कीम इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट. मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट स्कीम होना चाहिए तो ही इसको एनसीएलटी रिजेक्ट कर सकता है. अभी इस केस में पूरा पहले पैराग्राफ में फैक्ट्स डिस्कस किए हैं, क्या 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 तमाशे हुए फैक्ट्स, ठीक है. अब नीचे इन द प्रेजेंट केस Some of the shareholders requisition an EGM to negotiate with the other for the exchange ratio. Director cannot refuse to call the EGM if the requisition is made in a prescribed manner. इनको EGM तो लेना ही पड़ेगा अगर requisition सही manner में लिया है. हालांकि tribunal के power ये ऊपर दिए जाए किसे है, tribunal को अगर लगा कि exchange ratio सच में fair नहीं है, आप public interest में scheme नहीं है, तो tribunal amalgamation reject कर देगा. Answer given in the suggested answer issued by the Board of Studies of ICI is different. Answer given in the suggested answer conclude that it is not mandatory for a director to call an extraordinary general meeting. It is assumed that overwhelming majority signified the approval holder not less than 9/10 in the value of the shares. ये ICI का आंसर है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने ICI का ही आंसर लिखना है कि भैया बोर्ड को EGM कॉल करना जरूरी नहीं है और 9/10 ने अप्रूव किया है तो NCLT इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता. क्लियर है, हालांकि मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, मुझे लगता है ईजीएम लेना भी जरूरी है और एनसीएलटी के पास ऑप्शन रहना चाहिए कि पेटेंटली अनफेयर स्कीम या एक्सचेंज रेशियो के केस में या पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ के केस में एनसीएलटी इसको रिजेक्ट कर दे. ठीक है, चल अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए. एमटीपी अक्टूबर 18 का सवाल है. एबीसी लिमिटेड अमलगमेटेड एंड मर्ज इन टू एक्सवाइजेड लिमिटेड, सम वर्कर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड रिफ्यूज टू ज्वाइन, वर्कर्स के ऊपर सवाल है, अच्छा सवाल होगा. Refused to join work of XYZ Limited and claim a compensation for premature termination of the service. XYZ Limited resisted the claim on a ground that their service are transferred from XYZ Limited, transferred to XYZ Limited by an order of amalgamation and merger. Therefore, the workers must join the service of XYZ Limited, cannot claim a compensation. According to the provision of the Companies Act, examine whether क्या ये चीज हो सकती है, नहीं हो सकती है. क्या वर्कर को कंपेंसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, सिमिलर सवाल नीचे दिया गया है. अब आ जाइए बोर्ड के ऊपर ध्यान देना.
मैं केस मेंशन करता हूं। पहले तो दो पैराग्राफ जो है इसके अंदर यही बोला है कि अमलगमेशन कैसे होगा एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग वगैरह कैसे होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। और उसके बाद में दिस इशू वॉज रेज्ड इन, ये जो कंपेंसेशन का इशू है रेज हुआ था नोक्स एंड डॉनकास्टर अमलगमेटेड के अंदर। इट वॉज हेल्ड दैट डॉनकास्टर अमलगमेटेड कैलोरीज लिमिटेड, इट वॉज हेल्ड दैट ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल सैंक्शनिंग अमलगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन डज नॉट रिजल्ट इन ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस। इस ऑर्डर से डज नॉट रिजल्ट इन ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस एंड इन द अब्सेंस ऑफ कंसेंट ऑफ द वर्कर नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस इज क्रिएटेड बिटवीन द वर्कर एंड द ट्रांसफरी कंपनी। So the service of worker cannot be transferred to the transferee company. Accordingly, where the worker refused to join the service of the transferee company, they were entitled to compensation. Star mark करके रखना, बड़ा अच्छा सवाल है, exam में पूछा जा सकता है। The decision are as per the provision of section number 394 of the Companies Act 1956, जो old law है, उसमें ये decision आया था। नीचे where the tribunal sanctions a compromise arrangement, it may also make an order for transfer of the employees from the transfer company to transferee company. Halanki naye companies act ke section 232 mein likha gaya hai ki aap worker aur employees ke transfer ka order pass kar sakte ho. So tribunal may make an order that the service of the worker shall also be transferred to transferee company. However, no such a provision existed in the Companies Act 1956. ठीक है, ऐसा कोई भी प्रोविजन 56 में नहीं था। Thus, अभी डिस्प्यूटेड है, the legal position under the Companies Act 2013 is altogether different as compared to legal position 1956 under 232 of the Companies Act, where a tribunal makes an order that the service of the worker transferred to company shall be transferred to transferee company. Such a transfer of service is binding on all the parties, the transfer company, the transferee company and the worker. Such a transfer of service is result in operation of law. Isse operation of law kaha jayega? So no agreement or contract is required for this purpose. If the tribunal make order for transfer of the service of the worker but worker refuse to join the service, the transferee company, the decision given in the this case shall not apply and the worker shall not be entitled to any compensation. In the given case discussed as follows. नीचे केस दिया है और केस को कंक्लूड किया है। अब ये क्वेश्चन समझने में मुश्किल है, मैं वापस इसको छोटा सा एक्सप्लेन करता हूं। ओल्ड एक्ट में ट्रांसफर ऑफ सर्विस का कोई चीज नहीं था, इसलिए केस था, जो केस बोलता था कि वर्कर का ऑप्शन है, वो चाहे तो ज्वाइन करे, अदरवाइज वो ना करे तो उन्हें कंपेंसेशन मिलेगा। न्यू कंपनीज एक्ट हम जो अभी पढ़ रहे हैं उसमें बोला है कि ट्रांसफर का ऑर्डर वर्कर और एम्प्लॉइज के ट्रांसफर का ऑर्डर एनसीएलटी पास कर सकता है, और उसने ऑर्डर पास कर दिया तो ये बाइंडिंग है वर्कर के ऊपर। सो भले ही वर्कर रिजाइन कर दे, उसे कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। क्लियर है? ये नए एक्ट में बोला है। मैं एक बार आंसर बोलूंगा, वापस एक बार प्रॉपरली रीड कीजिएगा, और आपने इसको ऐसे ही प्रेजेंट करना एग्जाम में, कंक्लूड करके मत आना। क्लियर है? दोनों एक्ट का व्यू और केस का व्यू रख के आ जाना। हम सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है कि इसके ऊपर डिसीजन सुना के आएंगे, हम इतना लिखेंगे वापस आ जाएंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये चीज को याद रखना। गो फॉर इट फर्स्ट।
चलो डन एवरीबडी। अब मैं अगले सवाल के ऊपर जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर है 13। एबीसी लिमिटेड इज अ वोल्यू ऑन सब्सिडरी कंपनी। अब ये 233 के क्वेश्चन शुरू हुए हैं, फास्ट ट्रैक मर्जर वाले, ठीक है। सो इसको फर्स्ट ट्रैक मर्जर नाम देके रखना। एबीसी लिमिटेड वोल्यू ऑन सब्सिडरी कंपनी ऑफ एक्सवाइजेड लिमिटेड, अक्टूबर 18 एमटी का सवाल है। द कंपनी वॉन्ट टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर मर्जर ऑफ द होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी अंडर सेक्शन 232। द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ एक्सवाइजेड लिमिटेड इज ऑफ द ओपिनियन दैट कंपनी कैनॉट अप्लाई फॉर मर्जर under 232, the company shall have to make an application for merger under 233, fast track merger. Is the contention of secretary is right? Volume and subsidiary of a company, the company want to make an application for merger of holding and subsidiary company. हाँ, volume and subsidiary और holding company है, तो 233 में ही application होगा, और small company का भी merger इसी section में होता है। तो direct सवाल है, आपको application का content लिखना है, और चीजों को conclude करना है। देखिए, पहला सवाल है, इसलिए मैं जरा रीड कर लेता हूं इसको, मतलब आपको समझ में आएगा, ठीक है। दो या दो से ज्यादा स्मॉल कंपनीज के बीच में, या होल्डिंग कंपनी और वोल्यू ऑन सब्सिडरी कंपनी के बीच में स्पेशल प्रोविजन आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे 233 के। ये प्रोसेस लेस टाइम कंज्यूमिंग है एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड है। 233 को नॉर्मली फास्ट ट्रैक मर्जर बोला जाता है। टू थर्टी थ्री में तो होल्डिंग ऑन कंपनी और होल्डिंग का मर्जर हो सकता है, पर अगर आप चाहो इंस्टेड यूजिंग द प्रोविजन ऑफ 233 यूज द प्रोविजन ऑफ 232 के हिसाब से भी ये मर्जर कर सकते हैं। सेक्शन 233 सेज दैट कंपनी कवर अंडर दिस सेक्शन में यूज द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 232 फॉर द अप्रूवल ऑफ स्कीम ऑफ द मर्जर। मैंने आपको कई बार फास्ट ट्रैक मर्जर में रेगुलर बैच में बताया था कि जहां फास्ट ट्रैक मर्जर फेल होता है यू कैन ऑलवेज गो फॉर 232, दैट इज अ स्लो ट्रैक मर्जर, ठीक है। ये हमने क्लास के अंदर बहुत अच्छे से देखा था। दस वेयर द मर्जर और अमलगमेशन फॉल्स विद इन अ परव्यू ऑफ 233 कंपनीज कंसर्न हैव द फॉलोइंग टू ऑप्शन। सबसे पहले 233 कंप्लाई करो, या इंस्टेड वो कंप्लाई नहीं हो रहा है तो आप 232 में जा सकते हो, ठीक है। तो ये सेम ऑप्शन आपको यहां पे अवेलेबल रहेगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर जा रहा हूं, 234, दैट इज अमलगमेशन एंड मर्जर ऑफ द फॉरेन कंपनीज। कितने सवाल है इसके अंदर, होल्ड, ओके 17 क्वेश्चंस है, ओके हाँ, मैं वही बोलू कि कम लग रहे हैं, बट ठीक है आगे। M14 का सवाल है, एमटीपी अप्रैल 18 का। ग्लोबल लिमिटेड अ फॉरेन कंपनी प्रपोज टू देसी लिमिटेड एन इंडियन कंपनी फॉर मर्जर ऑफ द कंपनीज, स्टेट द रिक्वायरमेंट फॉर मर्जर एज पर द कंपनीज एक्ट। कुछ नहीं, इसके अंदर सिर्फ कंसिडरेशन का टेंशन रहता है। आपको कंसिडरेशन इधर कैश में या डिपॉजिट रिसिप्ट में, या पार्टली कैश और पार्टली डिपॉजिट रिसिप्ट में, साथ में आरबीआई का अप्रूवल और सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल, ये दो चीजों को आपको यहां पर एज अ अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपका अमलगमेशन हो सकता है। तो ऐसे कोई बहुत बड़ी बात इसके अंदर नहीं है। अगला सवाल 15 वाला, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्डर द अमलगमेशन, कंपलसरी एक्विजिशन का लग रहा है। पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्डर द अमलगमेशन ऑफ एबीसी लिमिटेड डीईएफ लिमिटेड इनटू सिंगल कंपनी नेम्ड एज केपीएन लिमिटेड थ्रू नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। इन दिस कनेक्शन द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी ऑर्डर दैट इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ एबीसी लिमिटेड वेर टू बी प्रोवाइडेड विद अ कैश कंपेंसेशन। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है एबीसी के, इनको कैश कंपेंसेशन मिलेगा 2000 रुपी एंड टू इक्विटी शेयर्स ऑफ केएनपी लिमिटेड फॉर एवरी इक्विटी शेयर इन एबीसी लिमिटेड। मिस्टर गणेशन इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ एबीसी लिमिटेड वॉज डिससेटिस्फाइड नॉट ओनली विद द अमलगमेशन बट ऑल्सो विद द कंपेंसेशन ऑफर्ड इन प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। अब अमलगमेशन के खिलाफ तो आप अपील नहीं कर सकते, जो भी अपील है कंपेंसेशन के खिलाफ कर सकते हो, वो भी एनसीएलटी को, और एनसीएलटी जो बोलेगा वो फाइनल नॉन क्वेश्चनेबल रहेगा। सो ऐसे केस में एडवाइस हिम वेदर ही कैन चैलेंज द अबव अमलगमेशन, नहीं आप अमलगमेशन तो चैलेंज नहीं कर सकते, नो। ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो एडवाइस हिम हाउ मेनी डेज एंड बिफोर विच अथॉरिटी ही कैन प्रेफर एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। तो आप एनसीएलटी को अपील कर सकते हो। सो नीचे देखो क्या लिखा गया है, 237 का पूरा प्रोविजन देखिए। पहला ही सवाल है, सो मैं रीड करता हूं, टू और मोर कंपनीज का अमलगमेशन सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकता है, जिसके लिए 237 के प्रोविजंस लगेंगे। हर मेंबर और क्रिएटर को नियरली सेम पोजीशन मिलेगा अमलगमेटेड कंपनी में, जो उनका पोजीशन था अमलगमेटिंग कंपनी में, ठीक है।
इन द केस ऑफ इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ द मेंबर अगेंस्ट ट्रांसफरिंग कंपनी आर लेस देन द इंटरेस्ट और द राइट्स जो उनके ऑलरेडी थे, ही शॉल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द कंपेंसेशन फ्रॉम ट्रांसफरिंग कंपनी. अगर उनके इंटरेस्ट और राइट डैमेज होते हैं ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर या क्रेडिटर के, तो उनको ट्रांसफरिंग कंपनी से कंपेंसेशन मिलेगा. द कंपेंसेशन शॉल बी असेस्ड बाय सच अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब. एवरी असेसमेंट ऑफ कंपेंसेशन शॉल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट. एनी पर्सन एग्रीड बाय द असेसमेंट ऑफ कंपेंसेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, उन्होंने पूछा था असेसमेंट ऑफ कंपेंसेशन एंड पब्लिकेशन, में अपील टू ट्रिब्यूनल एंड देयर अपॉन असेसमेंट ऑफ द कंपेंसेशन शॉल बी मेड बाय द ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल इसको वापस से असेस कर सकता है. सो यहां पे बोला गया है सो मिस्टर गणेश एंटाइटल टू प्रेफर एन अपील टू ट्रिब्यूनल को कर सकता है असेसमेंट ऑफ कंपेंसेशन के लिए विद इन 30 डेज फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ असेसमेंट ऑफ कंपेंसेशन इन ऑफिशियल गैजेट. क्लियर है सबको, ये चीज को याद रखना. अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16. कॉटन यान लिमिटेड कंट्री Cotton Blossom Limited are two listed companies engaged in a business of textile. The companies are not making profit and as such their share market price has gone down. A substantial portion of their shares capital is held by central government as well as some public financial institute corporation. In order to increase the share value, the central government wants to amalgamate the aforesaid two companies in a single company. Examine the power of central government to amalgamate the two companies in a public interest. Direct सवाल है actually. End में आपको सिर्फ answer में conclude करना पड़ेगा the above companies should follow above procedure for compulsory amalgamation. ठीक है, इसका answer आप एक बार read करके रखिए, क्योंकि एक बार मैंने read किया, एक बार आपने भी read करना जरूरी है. Go for it fast.
चलो डन एवरीबडी, यस और नो? तो ये चीज को याद रखना। जाते हैं लास्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 17 to 39। CPR लिमिटेड, TJC लिमिटेड आर होली ओन गवर्नमेंट कंपनीज तमिलनाडु आर पब्लिक पॉलिसी मैटर। एज अ पॉलिसी मैटर गवर्नमेंट इशूड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर फॉर मर्जिंग TJC लिमिटेड विथ CPR लिमिटेड इन पब्लिक इंटरेस्ट स्टेट अथॉरिटी विथ होम द एप्लीकेशन फॉर मर्जर इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। ऑल्सो स्टेट प्रोविजन रिगार्डिंग प्रेजेंट प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ TJC आफ्टर मर्जर अंडर द सेड एक्ट। सिंपल आंसर है कि भाई अमलगमेटेड कंपनी जो है, जो चला गया, उसके बुक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल तक के मेंटेन करने पड़ेंगे। सीजी को इसमें इन्वेस्टिगेशन करना है तो कर सकता है, उसके बाद सीजी ऑर्डर देगा कि कौन से बुक्स डिस्पोज करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। बाकी आपको 237 का प्रोसेस पता है, फिर 239 का मर्जर अमलगमेशन के बुक्स ऑफ प्रिजर्वेशन का प्रोसेस सीजी अप्रूवल वाला लिखा हुआ है, फिर आपने आंसर को कंक्लूड करना है। यहां पे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन के क्वेश्चन होते हैं खत्म इमीडिएटली, बिना समय गवाए हम जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर जो है इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन के। आ जाइए, लेट्स गो। सो मैंने जैसे बोला था लेक्चर थोड़ा सा लंबा जा सकता है बिकॉज इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन के भी सवाल कवर करने हैं और इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे सवाल है। आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 28 है, सो सेशन कैन गो लॉन्ग। ये चीज को आपने थोड़ा सा याद रखना, ठीक है? आ जाइए, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर। सो अ नोटिस वॉज सेंड टू मिस्टर लेफ्ट बाय द रजिस्ट्रार टू फर्निश द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ बिजनेस ऑफ ट्रांजैक्टेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द एक्स कंपनी। मिस्टर लेफ्ट इग्नोर्ड द नोटिस कंसिडरिंग दैट ही इज नो मोर एन एम्प्लॉय ऑफ एक्स कंपनी। रजिस्ट्रार इशूड अ समन अगेंस्ट मिस्टर लेफ्ट। एग्जामाइन द लाइट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अबाउट द लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर लेफ्ट इन द गिवन केस। सिंपल सी बात है, जब सेक्शन 206 में आरओसी इन्वेस्टिगेशन करता है तो सिर्फ करंट एम्प्लॉय नहीं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय नहीं, तो पास्ट एम्प्लॉयज और एक्स एम्प्लॉयज के साथ में भी ये कर सकता है। कई बार एक्स के साथ में इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी होता है। आपने भी तो एक्स के साथ कई बार इन्वेस्टिगेशन किया होगा ना कि ऐसा क्यों हुआ, क्या होना चाहिए था, कहां से फ्रॉड हुआ। ये एक्स के साथ इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, अदरवाइज सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा मेंटली, ठीक है? तो ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। लेकिन मिस्टर लेफ्ट प्रेजेंट नहीं हुआ तो क्या इस सिचुएशन में मिस्टर लेफ्ट की लाइबिलिटी क्या है, तो उसको 206 की पेनल्टी लगेगी। और 206 की पेनल्टी यहां पे मैंने देखना मेंशन की है क्या, लाइबल टू प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन तो है ही, यहां पे 206 की पेनल्टी मेंशन कीजिएगा बेटा, मेंशन पेनल्टी ऑफ 206 आप यहां पे लिख के रखिए, मैं आपको ये पेनल्टी डिक्टेट करता हूं, होल्ड कीजिएगा। सो पेनल्टी लिखिएगा जो है फाइन अप टू 1 लाख, फाइन अप टू 1 लाख प्लस 500 रुपीज पर डे, फाइन अप टू 1 लाख एंड 500 रुपीज पर डे, ठीक है? सो यहां पेनल्टी मेंशन करके रख दे। एंड रुपीज 500 पर डे, ठीक है? ये चीज होने के बाद में नवंबर 19 के क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ मेसर्स FMG लिमिटेड मेड अ कंप्लेंट टू द कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी को कंप्लेंट किया है दैट द बिजनेस ऑफ कंपनी इज बीइंग कैरिड फॉर अनलॉफुल एंड फ्रॉडुलेंट पर्पस एंड फाइल एप्लीकेशन टू इंक्वायर इन टू द अफेयर्स ऑफ कंपनी। रेफरिंग चाहिए यहां पर, रिफिंग हो गया है। Referring and analyzing the provision of the Companies Act, whether ROC has a power to order the inquiry into the affairs of company, yes, यही बोला है, if yes, मतलब ऊपर का आंसर yes ही रहता है हमेशा। Set the procedure to be followed by ROC, ROC ने कौन से प्रोसेस फॉलो करने चाहिए। Whether inquiry should be pursued by ROC in the case of complaint is withdrawn by the same group of shareholders subsequent to the order of inquiry, बाद में shareholder जिन्होंने complaint किया तो उन्होंने withdraw कर लिया अगर complaint, तो क्या inspection होके रहेगा? हाँ। Whether the central government has a power to direct the ROC to carry out the inquiry, CG के पास power है कि ROC का inquiry बोलने के लिए? Yes, CG के पास power है कि वो ROC को inquiry mention कर सकते हैं। So आ जाइए,
सेक्शन 206 सबसेक्शन 4, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू कॉल अपॉन द कंपनी टू फर्निश इन राइटिंग द इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन ऑन अ मैटर स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर विच सच अ टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड देयर इन. द रजिस्ट्रार इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू कैरी आउट सच ए इंक्वायरी एज डिम फिट आफ्टर प्रोवाइडिंग अ कंपनी अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड. क्लियर है कंसेप्ट? मतलब कंपनी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड देने के बाद में रजिस्ट्रार इज एम्पावर्ड टू कैरी आउट द इंक्वायरी. रजिस्ट्रार में एक्सरसाइज सच अ पावर एज इट सेटिस्फाइड फॉर फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन. बिजनेस कंपनी का फ्रॉडुलेंटली कंडक्ट हो रहा है क्या या अनलॉफुली? ग्रेवियंस ऑफ द इन्वेस्टर क्या है यह देखना पड़ेगा. बिफोर एक्सरसाइजिंग पावर कॉन्फर्ड ऑन हिम अंडर सेक्शन 2064, रजिस्ट्रार शॉल बाय रिटन ऑर्डर इन्फॉर्म द कंपनी अबाउट अलिगेशंस मेड अगेंस्ट इट. वेयर अ बिजनेस ऑफ द कंपनी हैज बीन कैरिड ऑन फॉर अ फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पज, एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शॉल बी पनिशेबल बाय फ्रॉड for section number 447 for fraud. The central government may, if it is satisfied that the circumstances warrant, direct the registrar or the inspector appointed to carry out such an inquiry. Clear? In the given case, complaint jo kiya gaya hai fraudulent and lawful purpose ke liye kiya gaya hai, to obviously hum is situation mein inquiry bol hi sakte hai. ठीक है, बहुत बड़ा answer मैंने यहाँ पे conclude किया है. एक बार answer इसको read करके रखिए. पूरा 206 का detail मैंने यहाँ पे देख रखा है. आपको इतना देने की जरूरत नहीं है, मैं यहां लिखना चाहूंगा ओनली मेंशन रिलेवेंट कंटेंट. आप भी लिख के रखिएगा. ये मैंने आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए दिया है. एग्जाम में आपको जितना जरूरी है उतना ही लिखना है सिर्फ. ठीक है, लिख लीजिए. गो फॉर इट फास्ट.
चलो डन एवरीबडी, अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, आ जाइए। द रजिस्ट्रार आफ्टर द इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स क्वेश्चन नंबर 3 ऑन अकाउंट ऑफ पीक्यूआर सबमिटेड रिपोर्ट विद फर्दर रिकमेंडेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन इन टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, एक्सप्लेन द लॉ एज टू रिकमेंडेशन फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय रजिस्ट्रार। 208 के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का है और आरओसी सीजी को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए रिकमेंड कर सकता है सेक्शन नंबर 210 में। तो देखिए सेक्शन नंबर 210 में चार लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए वही लिखा है मैंने, 210 में कौन कौन अप्लाई कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो लिख के रखते हैं साइड में चार एप्लीकेशन, एक तो आरओसी या फिर जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन या तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट में सीजी खुद करेगा या तो फिर एनसीएलटी का या कोर्ट का ऑर्डर, ये चार केसेस में 210 में इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। क्लियर है? तो यहां पे भी आंसर में मैंने सेम कंटेंट मेंशन करके रखा है। ठीक है, देखिए एज पर 210 ऑन रिसीट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार अंडर 208 द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन इट इज नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट इन टू द अफेयर्स, तो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। बाकी पीक्यूआर के केस में सेम प्रोविजन रिपीट करके लिखा है। अगला सेक्शन 209 सर्च सीजर, अ ग्रुप ऑफ क्रिएटर मैक ट्रेडिंग लिमिटेड मेक्स अ कंप्लेंट टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज हैदराबाद अलीजिंग दैट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज इंडल्जिंग इन डिस्ट्रक्शन एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। डिस्ट्रक्शन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है तो आप बुक सीज कर सकते हो, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का आपको अप्रूवल लगेगा और उसके बाद में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के अप्रूवल के बाद में हम बुक्स को सीज कर सकते हैं 180 डेज के लिए, उसके कॉपीज ले सकते हैं, उसको मार्क करके रख सकते हैं, 180 डेज के बाद में हम बुक्स वापस करेंगे, वापस चाहिए तो हम उसको वापस 180 डेज के लिए बुला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में द कंप्लेनेंट रिक्वेस्ट द रजिस्ट्रार टू मेक अ मेडिटेट द स्टेप टू सीज द रिकॉर्ड्स एंड कंपनी सो दैट द मैनेजमेंट मे नॉट बी अलाउड टू टेम्पर विद द रिकॉर्ड्स। द कंप्लेंट वॉज रिसीव्ड एट 10 AM ऑन 1 July 2015 को 10 बजे कंप्लेंट आया। आरओसी एंटर्ड इनटू प्रीमाइसेस एट 10:30 AM फॉर द सर्च एग्जामाइन द पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू सीज द बुक। अगर ये 10 AM को कंप्लेंट आया और 10:30 को प्रीमाइसेस में है, मतलब मैजिस्ट्रेट का अप्रूवल नहीं लिया है बेटा। ठीक है, ये देखो ऑर्डर फ्रॉम द स्पेशल कोर्ट टू सीज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये हमको ऑर्डर फ्रॉम स्पेशल कोर्ट चाहिए, वो काम का चीज है। अभी सिचुएशन में इन द गिवन केस 10:30 बजे पहुंचे, इट इज इविडेंट दैट रजिस्ट्रार डिड नॉट ऑब्टेन द ऑर्डर फ्रॉम द स्पेशल कोर्ट टू सीज द बुक्स विच इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। इफ रजिस्ट्रार हैज सीज द बुक्स और द पेपर्स द कंपनी सच ए सीजर इज अल्ट्रा वायरस प्रोविजन ऑफ द 209 दैट इज रजिस्ट्रार इज नॉट ऑथोराइज टू एंटर एंड सीज द बुक्स। मतलब यहां स्पेशल कोर्ट का परमिशन लेना कंपल्सरी है। क्लियर है? क्वेश्चन अच्छा था, सवाल को मार्क करके रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 5, द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वेस्ट बंगाल हैज रिसीव्ड अ कंप्लेंट फ्रॉम ग्रुप ऑफ क्रिएटर्स ऑफ द कंपनी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अन ईदरिंग ऑफ देयर एम्बेजलमेंट ऑफ द कंपनीज फंड्स आर एक्सचेंज्ड इन फॉल्सिफिकेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओरिजिनल अकाउंटिंग बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। द कंप्लेनेंट अर्ज The registrar seize the accounting books and records of the company so that director may not be able to temper the same. Similar सवाल है, similar सवाल। ठीक है, आपने search and seizure के 209 के provision लिखने हैं, simple as that, answer same आएगा। ठीक है, तो इसको homework में complete कर लेना। ठीक है, क्योंकि question ज्यादा है तो हम same सवाल के ऊपर बहुत ज्यादा समय दे नहीं पाएंगे। ठीक है, let's go, अगला। The shareholders of Kumar Limited passed a special resolution that the affairs of the company ought to be investigated. मतलब देखो shareholder ने special resolution pass किया है। ठीक है, अगर pass किया है तो NCA आप CG को apply कर सकते हो section 210 में। The central this company submitted a special resolution to central government, वही किया है। Examine explain the relevant provision whether power of central government to order investigation is mandatory or discretionary. तो it is mandatory for central government to investigate. तो इस situation में ऑन रिसीट ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द रजिस्ट्रार, ये पहला रीजन है। चार रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बोले थे 210 के, इंटीमेशन ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन, पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, या फिर और यहां कोर्ट का ऑर्डर तो बोला ही नहीं है, यहां डी ऐड करो, ऑन ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये चीज को याद रखना। इन द गिवन केस स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, ठीक है,
नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन करना कंपलसरी है, लेकिन एविडेंस रहे तो, अगर एविडेंस नहीं है तो ये पावर डिस्क्रिशनरी है, ये चीज को याद रखना, ठीक है। सो सेक्शन 210 हैज ग्रांटेड डिस्क्रिशनरी पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ कंपनी वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव्ड एन इंटीमेशन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या चल रहा है ये? चलो डन एवरीबॉडी। ये चीज होने के बाद में अगला वाला कंटेंट, ठीक है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन। तो यहां सीजी का एक पावर देकर रखा है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो बेसिकली डिस्क्रिशनरी है, मैंडेटरी नहीं है। आप चाहो तो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, चाहो तो ना करीजिए, ठीक है, लेकिन एविडेंस बेस पे होना चाहिए, रीजन रिकॉर्ड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, शेयर होल्डर्स ऑफ हाइड एंड सीक लिमिटेड आर नॉट सेटिस्फाइड अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। It is suspected that some activities being run in the name of the company are not in the interest of company or its member. 101 out of 500 shareholder of the company have made an application to central government to appoint an inspector to carry out the investigation and found out the picture. With reference to the provision of the Companies Act, mention whether shareholder's application will be considered valid. Elaborate. ठीक है, 101 shareholder ने apply किया है 500 में से। हालांकि ये सवाल थोड़ा NCLT का होना चाहिए था, पर ये यहां क्यों है? एनीवेज 101 ने अप्लाई किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो पावर नहीं है, क्योंकि हमको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ, है ना। सो सेम 210 का ऊपर का प्रोविजन जैसा का वैसा आएगा, जो मैंने लिखा हुआ है यहां पे, देखिए 210। क्लियर है? फिर उसके बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा। और यहां देखिए 101 शेयर होल्डर इज नॉट बाउंड टू बी रिजेक्टेड, ठीक है, द एप्लीकेशन मेड बाय 101 शेयर होल्डर इज बाउंड टू बी रिजेक्टेड। ये बाउंड नॉट नहीं, इज बाउंड टू बी रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट होना ही है क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया है, ठीक है। अगर सीजी को लगता है तो सीजी इस एप्लीकेशन को देख के पब्लिक इंटरेस्ट में हाथ चाहिए तो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज होने के बाद में अगले कंटेंट के ऊपर जा रहा हूं मैं। A majority of board of directors of Messrs. High Value Infotech Limited have realized that some of the business activities carried out in the name of the company are not in the interest of either company or its member. They want that company should make an application to CG to appoint an inspector to carry out the investigation and find out the full truth. Explain the steps that should be taken to achieve the purpose and draft the application under the Companies Act. So, yahan pe bhi hamara 210 ka pehla wala content aayega. 210 ke provision kaun application karega? और इसके हिसाब से हम आगे का आंसर कंक्लूड करेंगे। अच्छा, 210 के साथ यहां 213 दिया है, ठीक है, हालांकि आपको 213 मेंशन करना जरूरी नहीं है, तो यहां लिख के रखिए 213 इज गिवन एक्स्ट्रा, नो नीड टू मेंशन द सेम, बिकॉज उन्होंने सिर्फ सीजी को बोला है ना, ठीक है, तो 213 ऑप्शनल है, इज एक्स्ट्रा, नो नीड टू मेंशन द सेम, इट इज ऑप्शनल, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि दोनों प्रोविजन पढ़ के रखिए, मैंने 210 की पहले लिखी होगी और फिर 213 की लिखी है। 213 में 100 मेंबर्स कैन अप्लाई, 1/10 ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स कैन अप्लाई विच एवर इज लोअर, ये हमने ऑलरेडी देखा था। गारंटी कंपनी के केस में 1/5 ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स कैन अप्लाई, या एनसीएलटी प्रमोशन फॉर्मेशन में अगर फ्रॉड है तो एनी मेंबर कैन अप्लाई के केस में भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकता है। गो फॉर इट फास्ट।
चल डन एवरीबॉडी, आ जाइए। सो अगले कंटेंट के ऊपर जाते हैं, अगले सवाल के ऊपर, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना। 213 का लंबा चौड़ा प्रोसेस दिया है आपको, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, वहां साइड में लिख के रखिए मेंशन ओनली रिलेवेंट कंटेंट। बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस दिया है, ये आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है। सेक्शन 210 एंड एप्लीकेशन ऑफ 213, ठीक है, ये चीज को आपने याद रखना। अगला, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसएफआईओ, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसएफआईओ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट इट्स कंपोजिशन, ठीक है, डायरेक्ट सवाल है, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने कल ही देखा था बेसिकली कि भैया जितने मेंबर्स और चेयरमैन ये चीज अपॉइंट कर सकता है, पर्सन एबिलिटी इंटीग्रिटी फेंकने वाली चीजें, मॉरल एक्सपीरियंस स्टैंडिंग एक्सेट्रा, ऑडिट वाले चैप्टर के अंदर तो हम ये रटवा लिए हैं, आधी रात को पूछे तो भी लिख देंगे, एबिलिटी इंटीग्रिटी मॉरल स्टैंडिंग एक्सपीरियंस, और कुछ एक्सपीरियंस तो कन्फर्म होते हैं, बैंकिंग चाहिए, कॉर्पोरेट अफेयर्स चाहिए, अफेयर मतलब कॉर्पोरेट अफेयर्स, नॉर्मल अफेयर नहीं, टैक्सेशन, फॉरेंसिक ऑडिट, कैपिटल मार्केट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ, सच अदर फील्ड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, क्लियर है सब। फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर उसका कॉन्स्टिट्यूशन दिया है कि किस तरीके से अपॉइंट करना है, डायरेक्ट सवाल है, पढ़ लेना एक बार, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन इन एसएफआईओ, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच इन्वेस्टिगेशन इज साइंड अंडर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, सेम है इन्वेस्टिगेशन के ग्राउंड जो सेक्शन 210 के होते हैं। सो सेक्शन नंबर 210 एंड 212 हैव सेम ग्राउंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यही के यही मार्क कर देता हूं, रिपोर्ट फ्रॉम रजिस्टर अंडर सेक्शन नंबर 208, उसके बाद में स्पेशल रेजोल्यूशन बाय मेंबर, पब्लिक इंटरेस्ट, डिपार्टमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर आया है तो यहां ऑर्डर ऑफ कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल नहीं लिखा है, वो भी ऐड कर दीजिए, ऑर्डर ऑफ कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, ठीक है। चलो अगला सवाल, मेसर्स, अब इन्वेस्टिगेशन का यही एडवांटेज है, छोटे छोटे सवाल है और छोटे छोटे आंसर है, एक हाथ दो ही ऐसे आंसर है जो बहुत बड़े हैं। Mrs. Preeti is a lady aged of 32 years and managing director of Mrs. Grow More Plantations Limited has been arrested for an offence covered under section 447 of the Companies Act 2013 on a complaint made by director Serious Fraud Investigation Office. Mrs. Preeti seeks your legal advice as to the condition under which she can be released on a bail and the rules of the special court in this regard. ठीक है, और special court का इस case में क्या role है? So, एक कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल का सवाल है। अब कौन कौन से केसेस में हम बेल पे किसी को रिमूव कर सकते हैं, पहली बात तो इसके रीजन मैंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जांपल दिया था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए टू अपोज द बेल, पहली बात, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज द अप्लीकेशन स्टिल कोर्ट इज सेटिस्फाइड देर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर लिविंग इज नॉट गिल्टी, reasonable ground for believing the person is not guilty. अगर वो बंदा age 16 years से नीचे है, woman है या sick infirm है, तो ऐसे situation में आप उसको bail के ऊपर release कर सकते हो। और फिर उसके बाद में मैंने answer दिया है, Miss Preeti has been arrested for the offence covered under 447. She can be released on bail accordance with the provision of the section 212. Since Mrs. Preeti is woman, ये हम assumption ले रहे हैं कि वो obviously woman ही होगी, may be released on bail if the special courts direct so. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना, ये चीज को याद रखना। अगला सवाल, 213 इन्वेस्टिगेशन बाय एनसीएलटी, सम क्रिएटर्स ऑफ एनटीवाई लिमिटेड अप्रोच यू फॉर गाइडिंग देम टू अप्लाई टू ट्रिब्यूनल फॉर सीकिंग एन ऑर्डर टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ कंपनी ड्यू टू द फैक्ट दैट द बिजनेस ऑफ द कंपनी is being conducted with an intention to defraud creditor, referring to provision of companies act, guide them regarding circumstances under which how a person being a member of the company can apply to tribunal to seek an order for conducting investigation into the affairs of company. ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन, तो देखो एनसीएलटी को सबसे पहले तो मेंबर्स अप्लाई कर सकते हैं, 100 मेंबर 110 शेयर कैपिटल कंपनी में, गारंटी कंपनी में 1/5, और अगर बिजनेस फ्रॉडुलेंटली अनलॉफुली चल रहा है, देखिए फ्रॉडुलेंट अनलॉफुल बिजनेस है, ठीक है, या अनलॉफुल पर्पज के लिए चल रहा है, या कंपनी के फॉर्मेशन में या मैनेजमेंट में जो पर्सन इन्वॉल्व थे वो फ्रॉडुलेंट है, उसमें मिसफेंस हो रहा है, या फिर कंपनी ने मेंबर्स को सफिशिएंट, मेंबर ऑफ द कंपनी नॉट हैव एनी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ कंपनी, इन केसेस में एनी पर्सन अप्लाई कर सकता है, ये हमने देखा था, अप्लीकेशन बाय एनी पर्सन अप्लाई कर सकता है, मेंबर हो कंपनी का या कोई भी दूसरा पर्सन हो अप्लाई कर सकता है नीचे के केसेस में। सो ट्रिब्यूनल यहां पे क्रिएटर से एप्लीकेशन ले सकता है, तो यहां वही बोला है, अंडर 213 एम्पावर्स अ पर्सन
इवन दो ही इज नॉट अ मेंबर टू मेक एन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल, देयर फोर द क्रिएटर एडवाइज टू मेक एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन नंबर 213। क्लियर है सब सबको, और इनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 214 पे, सिक्योरिटी रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन। द बिजनेस ऑफ वीक फैब्रिकेशन लिमिटेड इज कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली एंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। द पेडअप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 1 करोड़ रुपी। अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर नंबरिंग 110 मेंबर रिप्रेजेंटिंग 1/9 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर डिसाइड टू अप्रोच एनसीएलटी। 11, 11 and 10 मेंबर है ना, तो क्या एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो सकता है? तो यही हम लिख लेंगे यस हो सकता है, ये 1/9 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन अफेयर्स ऑफ द कंपनी अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, दे सीक योर एडवाइस इन द फॉलोइंग मैटर स्टेटिंग द रिलेवेंट प्रोविजन। वेदर द ग्रुप ऑफ पर्सन कैन मेक अ वैलिड एप्लीकेशन, यस। अदर देन अ मेंबर कैन एनी अदर पर्सन कैन मेक एन एप्लीकेशन, यस अंडर थर्ड ऑप्शन इन केस ऑफ फ्रॉड किया जा सकता है। आर एप्लीकेशन रिक्वायर्ड टू बी फर्निश अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, यस सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन देना जरूरी है। ठीक है, सो कितना सिक्योरिटी देना जरूरी है, लंबा चौड़ा आंसर दिया है, हर चीज इसके अंदर मेंशन करके रखा है। मतलब पहले तो बकायदा नॉर्मल एप्लीकेशन मेंशन किया है, नॉर्मल एप्लीकेशन आप देख सकते हो 100 मेंबर 1/10 ऑफ नंबर ऑफ मेंबर 1/10 ऑफ वोटिंग पावर होल्डर। फिर फ्रॉड वाला एप्लीकेशन इन केस ऑफ फ्रॉड, इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में किया गया फ्रॉड या नो इन्फॉर्मेशन टू मेंबर्स के केस में एनी मेंबर कैन अप्लाई, एनी अदर पर्सन और अदरवाइज सेटिस्फाइड कैन ऑल्सो अप्लाई, ये मेंशन किया है। और फिर उसके बाद में 214 के अंदर 25,000 तक का कॉस्ट, नॉट एक्सीडिंग 25,000 तक का कॉस्ट लगता है। हालांकि मैं आपको यहां रिकमेंड करूंगा रिकमेंडेड टू मेंशन टेबल ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो है ना कुछ पेडअप कैपिटल तक के 10,000, फिर उसके बाद में 15,000, फिर 25,000, है ना ऐसा। ठीक है, तो आपको मेंशन करना है। हालांकि आंसर में आपको इतना बड़ा कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं है, नॉट नीडेड, राइट टू द पॉइंट आंसर। क्लियर है सर, ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 218, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, मिस्टर अतुल इज एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी एबीसी लिमिटेड एंड इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन हिम अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। द कंपनी वॉन्ट्स टू टर्मिनेट एम्प्लॉई ऑन अ ग्राउंड दैट इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग अगेंस्ट हिम। दे हैव फाइल्ड एन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर अप्रूवल ऑफ द टर्मिनेशन। द कंपनी हैज नॉट रिसीव्ड अ रिप्लाई फ्रॉम ट्रिब्यूनल विद इन 30 days ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन। द कंपनी कंसिडर इज डीम अप्रूवल एंड टर्मिनेटेड मिस्टर अतुल। इज द कंटेंशन ऑफ कंपनी इज वैलिड इन लॉ, यस। वॉट इज द रेमेडी अवेलेबल टू अतुल, अपील टू एनसीएलटी। वॉट इज रेमेडी अवेलेबल टू अतुल इफ रिप्लाई ऑफ ट्रिब्यूनल हैज बीन रिसीव्ड विद इन 30 days, अगेन अपील टू एनसीएलटी। ठीक है, सो 218 मेंशन किया है यहां पे, लंबा चौड़ा मेंशन किया होगा क्योंकि पहला ही सवाल है। ठीक है, बिफोर टेकिंग सच एक्शन द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेक एन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल। इफ कंपनी डज नॉट रिसीव द ऑब्जेक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल विद इन 30 डे द कंपनी मे प्रोसीड टू टेक अ प्रपोज्ड एक्शन। ठीक है, फिर नीचे सेम चीज दी है और यहां बोला है सिंस ट्रिब्यूनल हैज नॉट मेड ऑब्जेक्शन अप्रूवल विद इन 30 डेज ABC is entitled to terminate Mr. Atul. Thus, non-receipt of the reply within 30 days filing application can be considered as deemed approval for a termination. Therefore, contention of the company is valid. Company ka contention valid hai. Tribunal does not make objection within 30 days. 218. To a situation mein, thus, in case ABC shall be entitled to terminate Mr. Atul, Mr. Atul have no remedy under Companies Act. However, Mr. Atul can claim the damages from ABC Limited under the provision of the Contract Act. Contract Act? The Companies Act. हाँ, termination or breach of contract में compensation मांग सकता है. In case tribunal order, मतलब ये वाला answer अपना थोड़ा गलत था. यहाँ appeal to NCLT नहीं. So यहाँ हम लिख सकते हैं no option plus compensation. ठीक है, नीचे appeal कर सकते हैं. देखिए यहां लिखा है हाउएवर मिस्टर अतुल
shall be entitled to prefer an appeal to tribunal against the order of tribunal in accordance with the provision of section number 421. As per 421, a person aggrieved by order of tribunal may within 45 days appeal to appellate tribunal. However, appellate tribunal may entertain the appeal after expiry of the said period of 440 but further 45 days. मतलब आप नैकलैट को अपील कर सकते हो अगर आप ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से फ्रस्ट्रेट हो तो. क्लियर है? चलो नीचे 15. डैमेज लिमिटेड इज अ कंपनी वांटेड. हाँ, इसको स्टार मार्क करना, सवाल अच्छा था ये. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कॉन्सोलिडेट करना अच्छे तरीके से ध्यान देना. डैमेज लिमिटेड अ कंपनी वांटेड टू सस्पेंड मिस्टर जेड अ सीएफ ऑफ कंपनी ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन बींग कंडक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. ऑन ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल द कंपनी अप्रोच द ट्रिब्यूनल ऑन 3rd January फॉर प्रपोज एक्शन. The company on 15 February pass an order for suspension without waiting for order of tribunal. Comment. क्या valid order है? Company with reference to the provision of the Companies Act. So action is valid. क्योंकि 30 days के अंदर अगर order नहीं आया तो you can continue. Action is valid. एक बार आपने इसका answer पढ़ लेना है. Homework. ठीक है? चल. Next वाला सवाल. An inspector was appointed under 210 of the Companies Act to investigate the affairs of public company. Mr. WM, the works manager of the company who is aware of certain misdeeds of management, desires to know whether he is entitled to any protection against dismissal by company if he discloses the misdeeds during the course of examination to inspector. Advise him explaining the relevant provision of Companies Act 218. Direct question. Ye bhi homework mein karna. 218 का पूरा प्रोसीजर करना है. होमवर्क में क्यों, एक मिनट ले लीजिए और फटाफट पढ़ लीजिए इसको. गो फॉर इट फास्ट. अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 219, सेक्शन नंबर 219 के अंदर है. क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द सर्कमस्टेंसेस इन विच इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 210 ऑफ द कंपनीज एक्ट कैन इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ रिलेटेड कंपनीज आल्सो.
तो अगर इंस्पेक्टर को ऐसा लगता है कि कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड कंपनी से मिलेगा, कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड कंपनी से मिलेगा, कुछ एविडेंसेस रिलेटेड कंपनी से मिलेगा, तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, एज गुड एज क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा पूछा गया है। ठीक है, कई बार केस स्टडीज से ज्यादा डर मेरे को डायरेक्ट क्वेश्चन का लगता है, अगर प्रोविजन आपको याद नहीं आई तो। ठीक है, तो यहां बोला गया है, देखिए मैं अंडरलाइन करता हूं, पहला ही सवाल है तो कैन ऑल्सो इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ, मतलब नेसेसरी लगता है तो, एनी बॉडी कॉर्पोरेट हैज हु इज रिलेवेंट सब्सिडरी होल्डिंग एक्सेट्रा सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट मतलब किस किस में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग मतलब सिस्टर कंसर्न, यहां पे लिख के रखिए सिस्टर कंसर्न या फिर कंफ्यूजन होगा, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच हैज एनी रिलेवेंट टाइम बींग मैनेज्ड बाय अ पर्सन और अ मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी नॉमिनेट्स एनी कंपनी अकस्टम टू एक्ट एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डायरेक्टर्स, एनी पर्सन हु हैज रिलेटेड टाइम अ मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, द इंस्पेक्टर कैन कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन ओनली आफ्टर अपटेनिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी, द इंस्पेक्टर कैन कंसिडर दैट रिजल्ट ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन आर रिलेवेंट टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी फॉर विच इट इज अपॉइंटेड, He shall report the results to such a investigation. Clear again, सब सबको? हाँ है ना? So simply मैंने 219 उठा के लगा दिया है, बाकी और कुछ नहीं किया। During a investigation, question 18, during a investigation conducted on the affairs of the company in the public interest, the inspector observed that the directors of the company had been acting on the instructions of the holding company and he proceeded to investigate the holding company. In inspector permitted under the provision of Companies Act? Yes. Yes, he is permitted. Same answer ऊपर जैसा आएगा एज अबव, और फिर आंसर को कंक्लूड करना है। क्वेश्चन 19, मेंबर्स ऑफ सरज सॉल्यूशंस लिमिटेड आर कंसर्न्ड अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एज दे सस्पेक्ट ग्रॉस निग्लिजेंस एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी दैट मे बी डिट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड देयरफॉर फाइल्ड एन एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट अ इंस्पेक्टर टू कैरी ऑन द इन्वेस्टिगेशन। Mr. X, who was appointed as an inspector, is of the view to find out the true picture necessary investigation into the affairs of Messrs. Solution, which is subsidiary of Solutions Limited, subsidiary of Sarat Solutions Limited. Referring to the analysis of the provision of Companies Act, whether the inspector has a power to investigate into the affairs of company of affairs of Messrs. Hemant Softech Solutions Limited? Yes, he have power. Same answer. सेम आंसर आएगा 219 जैसा, सिर्फ आपको आंसर में अलग अलग कंक्लूड करना पड़ेगा, प्रोविजन तो जैसे कि वैसी आएगी। ठीक है, कई सारे सवाल है 219 पे तो, और इजी इजी है, एक ही आंसर है, एक ही प्रोविजन लिखना है, धड़ाधड़ आंसर चेंज करने हैं। द मेंबर ऑफ द कंपनी विथ नो पेड अप शेयर कैपिटल फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द चेंज इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ड्यू टू विच इट इज लाइकली दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी विल बी कंडक्टेड इन द मैनर विच विल प्रीजुडिशियली इंटरेस्ट द 25 मेंबर्स द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी 100 ऑन इंक्वायरी द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंप्लेंट हैविंग रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट द ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द असेट ऑफ द कंपनी मे बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर द ट्रिब्यूनल पास ऑर्डर दैट सच अ ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ द असेट शॉल नॉट बी मेड ड्यूरिंग वन ईयर। फ्रीजिंग ऑफ असेट का सवाल है, इवेल्युएट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फैक्ट सिचुएशन एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर टू फाइल अ कंप्लेंट, यस दे कैन फाइल द कंप्लेंट, वेदर मैनेजमेंट डिस्पोज द सर्टन असेट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, तो पेनल्टी लग जाएगा 221 का, आ जाइए तो 221 मेंशन किया है, मैं पहली बार पढ़ रहा इसलिए पढ़ता हूं, ट्रिब्यूनल इज एम्पावर्ड that disposal of funds asset properties of the company not takes place or take place subject to condition period during which asset should be freeze not exceed 3 years reasonable ground hona chahiye और ये prejudicial to the interest of company के खिलाफ होना चाहिए, जो आपको reasonable reason मिला है उसके अंदर जो disposal है वो prejudicial to interest of company होना चाहिए, ट्रिब्यूनल में मेक अ सच ऑर्डर ऑन रेफरेंस मेड टू इट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेफरेंस देने के बाद आप ऑर्डर पास कर सकते हो, ऑन रिसीट ऑफ कंप्लेंट मेड अंडर सच अ नंबर ऑफ मेंबर्स
एज आर स्पेसिफाइड अंडर 244, 244 में अगर मैनर ऑफ एप्लीकेशन है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. ऑन रिसीट ऑफ द कंप्लेंट मेड बाय क्रिएटर अलॉन्ग विद द आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ 1 लाख. 244 क्यों मेंशन किया है यहां पे? ठीक है. सो एप्लीकेशन 100 मेंबर, 1/10 ऑफ नंबर ऑफ मेंबर और मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, ये आपका होना चाहिए. या 1/5 ऑफ वोटिंग पावर होल्डर्स, ये आपका होना चाहिए. ठीक है, अगर ये एप्लीकेशन वैलिड रहा तो हम स्टॉप कर सकते हैं डिस्पोजल ऑफ द असेट. अगला क्वेश्चन 222, इंपोजिशन ऑन रिस्ट्रिक्शन अपॉन सिक्योरिटीज. ठीक है, थोड़ा लेक्चर लंबा जा रहा है, अभी और 5-6 ही सवाल बाकी है, डोंट वरी, आ जाइए. रेमेडियल फार्मा लिमिटेड ओवर द ईयर एंजॉयज हाई रेपुटेशन इन द मार्केट एंड इज जनरल रिजर्व आर 10 टाइम्स मोर देन द पेडअप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी. देयर इज सीरियस अप्रहेंशन ऑफ कॉर्नरिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी बाय ग्रुप ऑफ द अनस्क्रिपुलस पर्सन्स लाइकली टू रिजल्ट इन चेंज इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच मे बी प्रिजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट. मतलब शेयर्स बेच देंगे बोले कुछ लोग, जिससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेंज होगा जो कंपनी के खिलाफ हो सकता है. कंपनी सीक्स योर एडवाइस हाउ इट कैन ब्लॉक द ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट. डायरेक्ट सवाल है तो आ जाइए. वेयर एनसीएलटी इन कनेक्शन विद द इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 216, 216 ये बेनिफिशियल ओनर का सेक्शन है कि कंपनी के अंदर बेनिफिशियल ओनर चेंज ना हो इसलिए हम 212 का यूज करते हैं. सो द कंप्लेंट मेड बाय पर्सन इन दिस बिहाफ देर इज गुड रीजन फाइंड आउट द रिलेवेंट फैक्ट ऑफ सिक्योरिटीज इशूड और इशूड बाय कंपनी इज ऑफ द ओपिनियन दैट फैक्ट cannot be found out unless certain restrictions or deemed fit may be imposed by an order on the security shall be subject to such a restriction as may deem fit for a period exceeding 3 years. मतलब यहां पे ये बोला गया है कि जब तक के आप securities के transfer पे restriction नहीं लगाते तब तक के कुछ facts अगर नहीं मिलेंगे या beneficial owner नहीं दिखेगा तो आप securities के transfer पे restriction लगा सकते हो जो 3 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. Where securities in any company are issued or transferred or acted upon in contravention of order of tribunal under subsection 1, the company shall be punishable with a fine shall not be less than 1 lakh rupee, which may extend to 25 lakh rupee, and every officer in default shall be punishable for a term imprisonment may extend to 6 months or a fine which not be less than 25,000 rupees, but which may extend to 5 lakhs rupees. तो अगर आप सिक्योरिटीज ट्रांसफर करते हो तो आपको यह पेनल्टी लग सकता है. नीचे मेंशन दिया है द फैक्ट गिवन इन द क्वेश्चन आर स्क्वेयरली फॉल विद इन सेक्शन 222. द मैनेजमेंट ऑफ रेमेडियल फार्मा लिमिटेड मे मेक एन कंप्लेन टू एनसीएलटी एंड एनसीएलटी इसमें ऑर्डर पास कर सकता है. Tribunal is satisfied as to the genuineness of the case. Tribunal may make an order for imposing restriction on transfer of shares. मैं चाहूंगा इसका आंसर एक बार आप रीड कर लीजिए बिकॉज अगले एक दो क्वेश्चन भी हमारे इसी के ऊपर आने वाले हैं. गो फॉर इट फर्स्ट.
चलो डन एवरीबॉडी। अगला सवाल, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन अंडर 216, 216 में बेनिफिशियल ओनर में इन्वेस्टिगेशन बोला है, अब तो आपको शेयर फ्रीज करना जरूरी है। इन ग्रीनवुड लिमिटेड फॉर डिटरमाइनिंग ट्रू मेंबरशिप ऑफ द कंपनी, इन कनेक्शन विद दिस इन्वेस्टिगेशन रेफरेंस वॉज मेड टू ट्रिब्यूनल, इट अपियर ट्रिब्यूनल दैट देयर इज अ गुड रीजन टू फाइंड आउट द रिलेवेंट फैक्ट अबाउट द कंपनी एंड ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट अनलेस रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज ऑन फर्दर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर टू ईयर्स द पर्पज कैनॉट बी सॉल्व, दो साल के लिए वो रेस्ट्रिक्शन लगाने चाहते हैं। Referring to provision of Companies Act, can the tribunal put such a restriction on further issue of shares? Yes. Tribunal can put the restriction on further issue of shares. Yes. Period for which restriction can be imposed by tribunal? 3 years max. Answer ek baar read kar lijiye. Same answer. Clear hai? Chal, agla. 23, इन्वेस्टिगेशन वॉज ऑर्डर, अब थोड़ा सा मैं फास्ट ले रहा हूं क्योंकि 2-3 घंटे हो गए हैं, रेगुलर बैच को भी लेक्चर खत्म करना है। सो एन इन्वेस्टिगेशन वॉज ऑर्डर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर 216 ऑफ द कंपनीज एक्ट अगेंस्ट पीकेआर लिमिटेड डिटरमाइनिंग ट्रू मेंबरशिप, इट अपियर्स दैट ट्रिब्यूनल दैट द गुड रीजन फॉर फाइंडिंग आउट द रिलेवेंट फैक्ट, रिपीट सवाल ऊपर वाले जैसा ही है, रिपीट एज अबव, तो इसको होमवर्क में पढ़ लेना, ठीक है। सेम सवाल आ रहा है और मैं रिपीट सवाल नॉर्मली रखता हूं इसलिए क्योंकि आप एक दो बार एक हाथ सवाल पढ़ लो, 2-3 बार एक ही आंसर पढ़ लो तो फिक्स हो जाता है, मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहती। अगला 24, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर एज एन्यूमरेटेड इन सेक्शन 223 ऑफ द कंपनीज एक्ट, डायरेक्ट सवाल है, 223 में इंस्पेक्टर क्या क्या करेगा। सबसे पहले वो इंटरिम रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगा जो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिमांड कर सकता है, ठीक है, जिसके अंदर बोला है डायरेक्ट दैट सेंट्रल गवर्नमेंट शॉल सबमिट अ इंटरिम रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन शॉल सबमिट अ फाइनल रिपोर्ट, फिर रिपोर्ट राइटिंग में और प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए, ये मारामारी के दिन है, कॉपी ऑफ द रिपोर्ट किस किस को देना चाहिए, मेकिंग एन एप्लीकेशन टू सेंट्रल, जिसने एप्लीकेशन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको, ऑथेंटिकेशन ऑफ रिपोर्ट अंडर दिस चैप्टर शॉल बी ऑथेंटिकेटेड बाय सील ऑफ द कंपनी whose अफेयर्स इन्वेस्टिगेटेड एंड बाय द सर्टिफिकेट ऑफ पब्लिक ऑफिसर हैविंग कस्टडी ऑफ द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 76 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो ये रिपोर्ट आपका ऑथेंटिकेट हो जाएगा। अगला सेक्शन 224, एक्शन टू बी टेकन परसुएंस ऑफ इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट, द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 210-213 ऑफ द कंपनीज एक्ट टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर ऑफ द कंपनी रिवील्ड दैट सब्सटेंशियल फंड्स ऑफ द कंपनी हैव बीन मिसअप्रोप्रिएटेड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर, द कंपनी The central government is of the opinion that effective action may not be taken the company for recovery of the funds misappropriated by managing director. Examined with reference to the provision of Companies Act, the action that can be taken by central government for recovery of the damages of the funds misappropriated by managing director. यहां आप 3-4 टाइप के ऑर्डर पास कर सकते हो। पहला, फर्स्ट ऑर्डर प्रोसिक्यूशन, सेकेंड ऑर्डर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, रिकवरी ऑफ द डैमेजेस थर्ड, और फिर चौथा जो मैंने प्रैक्टिकली बोला था, हालांकि सेक्शन में लिखा है रेफरेंस टू अदर ट्रिब्यूनल और द कोर्ट ऑफ अदर लॉज। इफ फ्रॉम द रिपोर्ट्स मेड अंडर सेक्शन 223 सेंट्रल गवर्नमेंट दैट एनी पर्सन हैज बीन गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस फॉर विच क्रिमिनल लायबल in relation to company or in relation to any other body corporate or other person whose affairs has been investigated, the central government may prosecute such a person for the offence. It shall be duty of the officer and other employees of the company or body corporate to give the central government the necessary assistance in connection with the prosecution. The central government is of the opinion that company shall be wound up as per the report of section 223 of inspector. The central government may present to a tribunal. सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल को प्रेजेंट कर सकता है क्या, अ पिटिशन फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, एन एप्लीकेशन फॉर रिलीफ अंडर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट अंडर 241 और बोथ, सच अ कंपनी इज ऑलरेडी अंडर वाइंडिंग अप ट्रिब्यूनल देन द क्वेश्चन ऑफ अबव एप्लीकेशन ऑफ सीजी डज नॉट अराइज। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर वाइंडिंग अप ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, अब वाइंडिंग अप का ही प्रोसेस पूरा का पूरा डिस्कस किया गया है जो इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, तो मैं आपको इसमें से यह बोलना चाहूंगा, राइट ओनली प्रोसिक्यूशन
एंड रिकवरी ऑफ डैमेजेस। ठीक है, ये चीज को याद रखना। ये देखो यहां पे आया है मेन कंटेंट, रिपोर्ट मेड बाय इंस्पेक्टर सेड्स दैट द फ्रॉड हैड बीन टेकन देन सेंट्रल गवर्नमेंट मे फाइल एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स विद रिगार्ड टू डिसगॉर्जमेंट ऑफ असेट। कल मैंने डिसगॉर्जमेंट का मतलब बताया था, डिसगॉर्जमेंट मतलब फ्रॉडुलेंट अमाउंट जो रिकवर हुआ है वो आपने जिस असेट में लगाया वो असेट एनसीएलटी कॉन्फिसिकेट कर लेगा। मतलब आपने एक करोड़ का प्रॉफिट किया अंड्यू गेन किया फ्रॉड से, वो आपने उससे एक बिल्डिंग परचेस की तो एनसीएलटी वो बिल्डिंग सीज कर लेगा। क्लियर है? और अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी और अदर एंटिटी लायबल पर्सनली विदाउट एनी लिमिटेशन ऑन लायबिलिटी। जो भी फ्रॉडुलेंट पर्सन है वो अनलिमिटेडली लायबल रहेगा। हालांकि इतना बड़ा आंसर आपको लिखने की जरूरत नहीं, यू कैन स्किप विद दैट। ठीक है, सो मैं एक बार चाहूंगा कि इस सवाल का जवाब पढ़ लीजिए। हालांकि इतना बड़ा जवाब आपको नहीं लिखना है, बट फिर भी एक बार रीड कर लीजिए। Sure, done everybody. Now I'll go for question number 26. Messrs. Genesis Papers Limited has been incurring business losses for past couple of years. The company therefore passed a special resolution for voluntary winding up. Meanwhile, company complaints made to tribunal and the central government about a foul play of the directors of the company which adversely affect the interest of the shareholders of the company as well as public. In this situation, advise whether investigation may be initiated against the company under the provision of Companies Act. Yes, आप ये जरूर कर सकते हो। हालांकि सेक्शन नंबर 226, हालांकि 226 हमको अप्लीकेबल ही नहीं है बिकॉज वॉलेंट्री वाइंडिंग अप की प्रोविजन अभी है ही नहीं, तो क्वेश्चन को काट दीजिए बिकॉज वॉलेंट्री वाइंडिंग अप का 226 डिलीट हो चुका है। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कंपनीज एक्ट में नहीं रहा, वो आईबीसी में चेंज हो चुका है।
सॉरी 226 ही काटना है, 227 नहीं, तो ये सवाल काट दीजिए 26 नंबर का, उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, 227 के ऊपर 27 नंबर का सवाल, स्टेट द प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रोफेशनल इम्यूनिटी टू लीगल एडवाइजर एंड बैंकर्स अंडर द कंपनीज एक्ट। सो सिंपल सी बात है, बैंकर और लीगल एडवाइजर जो कंपनीज एक्ट के हैं, उन्होंने खुद के दूसरे क्लाइंट का रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं देना है। मतलब अगर मैं सत्यम को ऑडिट कर रहा हूं, सत्यम में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मैं साथ में इंफोसिस को ऑडिट कर रहा हूं, तो या मैं इंफोसिस का कंसल्टेंट हूं, सत्यम का कंसल्टेंट हूं, मैं सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में सत्यम का कंसल्टेंसी का जो इंफॉर्मेशन है वो दूंगा, मैं इंफोसिस के कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? जिसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसका इंफॉर्मेशन, अदर क्लाइंट का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। तो उसका ही प्रोविजन लिखा रखा है। आइए shall require to disclose to the tribunal name and address of his client, information as to the affairs of the customer other than such a company, body, corporate or the person। मतलब जो दूसरे क्लाइंट है उसका इंफॉर्मेशन आपको नहीं देना है। ठीक है, बस दो पॉइंट में आंसर खत्म हो गया। वो मिस्टर शर्मा is a legal advisor of ABC Limited and that capacity he has rendered legal advice by way of written communication to the company. The registrar of company Mumbai issued an order to Mr. Sharma to disclose and furnish a copy of the communication made by him. Examine the power of registrar to call for the said documents of Mr. Sharma. To de sakta hai, लेकिन अदर क्लाइंट के आपको इंफॉर्मेशन नहीं देना है। इसको स्टार मार्क करके रखना, क्वेश्चन अच्छा है, एक बार रीड करके देखिए। गो फॉर इट फास्ट। श्योर डन एवरीबडी। सो यहां पे आपका क्वेश्चन है इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन एंड कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का होता है खत्म। ठीक है, सो
आज के लिए काफी करते हैं क्वेश्चन एयर लेक्चर वालों के लिए, रेगुलर लेक्चर्स वाले इसके बाद आपका मेडिटेशन लेक्चर हो जाएगा, उसके लिए रेडी रहिए। और आज का होमवर्क मैं आपको दे दूं, एक दो दिन से होमवर्क ही नहीं दिया, मां कसम आपने क्या किया होमवर्क नहीं दिया तब है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 आज का होमवर्क है इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन का, एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 14 ये दो होमवर्क है आज के, ठीक है। सो सोल बुक निकालिए, चेक कर लीजिए आपने होमवर्क किया या नहीं किया, उसको लिख लीजिए और क्वेश्चन नंबर 4 और 14 को मार्क कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन एयर लेक्चर काफी करते हैं, सॉल्व फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, गुड डे, गॉड ब्लेस यू। रिगार्डिंग रेगुलर बैच कंटिन्यू कीजिए।